हैं। सबसे पहले तो सबका शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। आई एम ग्लैड टू सी अ गुड पार्टिसिपेशन टुडे। लिल बिट माई इंट्रोडक्शन, मैं एज एन एचआर जॉब कर रहा हूँ दुबई में फॉर लास्ट 19 ईयर्स। एचआर के अलावा कभी मैंने कुछ पसंद ही नहीं आया था मुझे, ना मैंने करने की कोई कोशिश की, लेकिन ड्यूरिंग कोविड आरडीए इनिशिएटिव की वजह से आई गॉट इंट्रोड्यूस टू पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। फिर मैंने थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, उसके बाद लॉट ऑफ ट्रेडिंग की, लर्निंग की, और इस तरह मुझे कह लें कि स्टॉक से प्यार हो गया। जब मैं अभी लर्न कर रहा था इन द बिगनिंग, तो मैं काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, लर्न करता था, कोई बुक्स रीड की, उसके साथ साथ आई डिड एक्सटेंसिव ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, काफ़ी सारी स्क्रीन्स लगा के, क्योंकि घर से काम करता था, ऑफिस जाते नहीं थे, तो आई हैड लग्जरी ऑफ टाइम। सो दिल लगा के और टका के ट्रेडिंग की, और बहुत सारी वीडियोस देखी, गुरुज को फॉलो किया, प्रीमियम वालों को फॉलो किया, लेकिन आई ऑलवेज फेल्ट देर वॉज समथिंग मिसिंग। तो बाय चांस मैंने फराज भाई की वीडियो देखी यूट्यूब पे, पर्ल सिक्योरिटी की तरफ से ये वीकली वीडियो करते थे। उस टाइम जब मैंने इनकी वीडियो देखनी शुरू की, तो मुझे लगा कि जितनी भी बाकी वीडियोस होती हैं टेक्निकल एनालिसिस लोग दे रहे होते हैं, वो मुझे सब लगा थोड़े से थर्ड क्लास होते हैं, जहाँ पे वो अपने बारे में ज्यादा बात करते हैं, पिछले दिखाएंगे इस तरह। दैट वॉज नॉट वेरी गुड, आई डिडन लाइक इट मच। सो जब मैंने फराज भाई को वॉच करना शुरू किया, तो मैंने सारी वीडियो, सारी सब्सक्रिप्शंस ऑफ कर दी, इनकी वीडियो देखता था। फिर वो सरमाया के प्लेटफॉर्म से मुझे पता चला कि ट्रेनिंग फराज भाई ने स्टार्ट किया है, तो जब इन्होंने पहली ट्रेनिंग स्टार्ट की तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। मुझे लगा कि मुझे तो आते हैं टेक्निकल्स, ये भी कुछ सीखने वाली बात है। बट जब मैंने काफ़ी सारे पैसे ज़ाया कर लिए, और मैं एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बना रहा था, लिख रहा था कि क्या होनी चाहिए, तो मुझे लगा कि जितने एनालिस्ट हैं उतनी ही स्ट्रेटजीज हैं, वो जो कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। तो देन मैंने कहा कि फराज भाई की ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि फराज भाई का जो वीकली वीडियो होती थी वो यूनिक होती थी, इनका जो स्टाइल होता था एनालिसिस करने का यूनिक था। तो मैंने कहा अच्छा, ये फराज भाई तो मुझे लगता है बेस्ट हैं हमारे पाकिस्तान में और टेक्निकल फील्ड में, तो क्यों ना इनकी ट्रेनिंग ली जाए। तो जब मैंने इनकी ट्रेनिंग अटेंड की, तो उसके बाद आई कैन कॉन्फिडेंटली से के मुझे नहीं लगता है उसके बाद मुझे कुछ और चीज़ सीखने की ज़रूरत है। इनकी जो ट्रेनिंग है, मैं वो ट्रेनिंग तो यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा, बट फराज भाई की जो एक ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है, या द वे ऑफ हिज ट्रेनिंग वाज एक्सीलेंट। वो इस तरह बड़ा एक सिंपल वे में इन्होंने टीच किया, और मैंने ट्वीट भी किया था एक स्विस नाइफ के नाम से, या एक 9.89 पॉइंट का टूल बॉक्स। तो उसके बाद यही मेरा इंट्रोडक्शन है अबाउट फराज भाई के। इनसे सीखने के बाद टेक्निकल्स, मुझे लगता है कि दैट वाज द बेस्ट ट्रेनिंग आई डिड, और उससे ज्यादा मुझे कोई सीखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक मेरी तरफ से फराज भाई का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद फराज भाई को देते हैं फ्लोर, वो थोड़ा सा अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। मे बी मैंने कुछ मक्खन ज्यादा लगा दिया उन्हें। तो थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं यहाँ पे फराज भाई से। आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, उसके बाद एवरीवन इज फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। सो आप प्लीज माइक रिक्वेस्ट करें, उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि एट ए टाइम मेरे ख्याल है 10 12 13 लोगों को हम स्पीकर बना सकते हैं। फिर आप अपना हैंड रेज कर लें नीचे, वो जो हार्ट का आइकॉन है उससे जाके, और मैं आपका नाम पुकारूंगा, आप आके फराज भाई से पूछें जो भी पूछना है। तो फराज भाई, फ्लोर इज योर्स, लेट्स स्टार्ट विद अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स। जी सलामकुम। अच्छा थैंक यू खजर भाई। आपने मक्खन, मुझे नहीं पता आप यहाँ पे लोग समझ रहे होंगे कि बेसिकली हम ट्रेनिंग को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ट्रेनिंग को प्रमोट नहीं कर रहे। बेसिकली मकसद यही है कि लोग कुछ ना कुछ सीख लें सेशन से, या आने वाले टाइम पे कहीं और से कुछ बुक्स वगैरह पढ़े सीखे। मेरा हमेशा से यही
रहा है कि आप लोग मेहनत करें और चीजें सीखें। ऐसे ही लोग मुंह फाड़ के बोल देते हैं टेक्निकल्स काम नहीं करते या फंडामेंटल्स काम नहीं करते, तो मार्केट तो न्यूज पे चलती है या ये और वो इस तरह की बातें ना, वो न्यूज को ट्रेड कर रहे होते हैं, बेसिकली वो इमोशंस को कर रहे होते हैं। ज्यादातर लोग गैम्बलिंग कर रहे होते हैं, जो उनका दिल कह रहा होता है वो करते हैं, फिर बाद में आके वो गवर्नमेंट को भी गालियां देंगे, स्टॉक मार्केट को भी देंगे, फंडामेंटल एनालिस्ट को भी देंगे, टेक्निकल एनालिस्ट को भी देंगे, अपनी गलती कभी भी रियलाइज नहीं करेंगे और उसे सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं अपना इंट्रोडक्शन ब्रीफ दे देता हूँ। मैंने जब स्टॉक मार्केट ज्वाइन की, मैं हुआवे में एज अ नेटवर्क सॉल्यूशन मैनेजर था। शुरू में इन्वेस्टमेंट स्कीम अच्छी चलना शुरू हुई, कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर काम करते थे, कुछ न्यूज के ऊपर करते थे, और फिर कुछ अरसे के बाद जब वहां से थोड़े बहुत पैसे आना शुरू हो गए स्टॉक मार्केट से, तो यही हुआ कि जो जॉब है उसमें तो मुझे लगता है मैं टाइम जाया कर रहा हूँ, यही सब कुछ है, स्टॉक मार्केट ही सब कुछ है, यहाँ से इतनी आसानी से पैसे बन जाते हैं, तो वहाँ स्टॉक मार्केट को फुल टाइम देना शुरू कर दिया, जॉब से रिजाइन कर दिया। शुरू में 2-3 महीने उसके बाद बहुत अच्छे मार्केट चली, पैसा बना, वो बेसिकली एक फ्लूक था। और फिर जो है वो जो सबके साथ होता है वही हुआ, लॉसेस होने शुरू हो गए, बहुत ज्यादा शुरू हो गए, इतने हो गए कि एक तो जीरो भी हो गए, ऊपर से लोगों का कर्जा भी चढ़ गया, तो हालात बुरे होते चले गए। और उस टाइम यही लगता था कि जो डिसीजन लिया है मैंने जॉब छोड़ने का वो गलत है। और खैर ये सब कुछ हुआ, एक टाइम आया कि स्टॉक मार्केट को बिल्कुल टाटा बाय बाय कह दिया और कहा कि अब ये वाला काम नहीं करते, कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर जाके भी आप अच्छे पैसे बना सकते हैं जॉब करके या कोई बिजनेस करके। सो मेरा प्लान था कि कहीं बाहर जाके बिजनेस करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रहते हुए आपकी सोच बदल जाती है, आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचना शुरू कर देते हैं कि इतने पैसे डालेंगे तो इतना रिटर्न आएगा, तो वो सोच हो गई थी। और जॉब वाला जो था मिजाज वो खत्म होता चला जा रहा था और खत्म हो गया था। तो जो सबसे करीब तरीन अपॉर्चुनिटी नजर आती है हम पाकिस्तानियों को वो यूएई होती है। 2 घंटे की फ्लाइट है, 1.5 घंटे की फ्लाइट है, वहां पहुंच जाते हैं, ज्यादातर आपके सारे रिश्तेदार दोस्त वगैरह होते हैं, आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही किया था। बहरहाल गया मैं इस नीयत से था कि वहां पे बिजनेस करूंगा, एक प्रोजेक्ट मिल भी गया था, फिर कुछ इशूज ऐसे थे जो 2011-12 में मैं एक दफा पहले भी गया था एग्जाम देने वहां पे, तो किसी वजह से वहां पे मैं रह गया। अब ये सारी स्टोरी मैंने पॉडकास्ट में सुनाई भी है, हम उसमें नहीं जाते डिटेल में, और ज्यादातर जो लिसनर्स हैं वो मेरे ख्याल में जानते हैं ये सारी स्टोरी। खैर इसको अगर मैं शॉर्ट करूं तो वहां पे जब मैं फ्री था, मुझे कोई काम नहीं था, तो जाहिर है जब आप फारिग होते हैं तो आप सोचना शुरू कर देते हैं कि लॉस कैसे हुआ था, मैंने कोई गलती की थी या नहीं की थी। तो उस गलती की खोज में मैंने कोई कुछ बुक्स पढ़ना शुरू कर दी, और मेरे जहन में हमेशा से ये था यार फंडामेंटल्स तो ठीक है, होते हैं मार्केट में, टेक्निकल्स भी होते हैं, क्यों ना उसको एक्सप्लोर किया जाए, और इतनी किताबें लिखी गई हैं इस टेक्निकल्स के ऊपर। तो अब मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो मैं ये सोचता था कि यार इतनी किताबें लिखी गई हैं, एआई का दौर है, तो अब क्यों नहीं इसके बारे में प्रोग्राम करके बोर्ड बना सकते हैं या कुछ, क्योंकि उससे पहले जब मैं स्टॉक मार्केट में था मैंने MQL5 एक वेबसाइट है वहां पे देखा था फॉरेक्स के या स्टॉक्स के बॉर्ड्स बिक्रे होते थे, तो मैंने कहा यार वो भी तो एक चीज है, क्यों ना एक बॉर्ड बना देते हैं जो आपके लिए खुद बैठ के ट्रेड करे। तो उस चक्कर में बुक्स पढ़ी, कुछ रिसर्च की, वो करते 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 उस वक्त जाहिर है एक अच्छा बेहतरीन बॉर्ड नहीं बना, इतनी जल्दी बनता भी नहीं है, लेकिन मैं काम करते करते एक टेक्निकल एनालिस्ट बन गया। टेक्निकल एनालिस्ट ऐसे बना कि जाहिर है जब वो आप बॉट के लिए कोई काम कर रहे होते हैं, बग्स आते हैं, फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये बार बार स्टॉप लॉस को हिट करता है तो कुछ इसका सोल्यूशन होना चाहिए, सोल्यूशन के चक्कर में कुछ नई चीजें पढ़ना शुरू की, तो वो एक स्ट्रेटेजी बिल्ड होती गई और आप टेक्निकल एनालिस्ट बन गए। फिर वहां से एक मेरी एक नई जर्नी शुरू होती है। जब मैं टेक्निकल एनालिस्ट बना, इससे पहले इमोशनली और मेंटली मैं काफी डाउन था, ट्रेड्स नहीं ओपन कर सकता था, तो एक कॉन्टेस्ट हुआ बहुत ही छोटे से पैसों से, आपको पैसे बनाने थे ज्यादा, जो ज्यादा पैसे बना लेता है वो कॉन्टेस्ट जीत जाएगा, बड़े सिंपल से रूल्स थे। तो वो अल्लाह का करना हुआ कि वो कॉन्टेस्ट जो था जीत गया, वो एक टर्न अराउंड स्टोरी थी। और
वहां से काफी ज्यादा पैसे आ गए और काफी हद तक जो था मैं स्टेबल होना शुरू हो गया। सो ये बात है 2017 की। मैंने 15, 16, 17 तीन साल शायद बहुत स्ट्रगल की है स्टॉक मार्केट में और इन चीजों में। और पूरा एक 16 था, 2016 था और 17 था, इसमें बैठ के सिर्फ पढ़ता रहा, तैयारी करता रहा, देखता रहा, मार्केट्स के ऊपर रिसर्च करता रहा। उस टाइम सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं थी, कोई पैसे नहीं थे, खाने पीने के पैसे नहीं थे, सोचता था कहाँ से आएंगे। तो खैर मेहनत की, उसका फिर वहां से फल मिला। उसके बाद फिर जो है वो कुछ फ्रीलांसिंग काम शुरू कर दिया, कुछ फॉरेक्स ब्रोकर्स के लिए। फिर जब पाकिस्तान आया तो यहाँ पे पर्ल सिक्योरिटीज को ज्वाइन किया एज अ टेक्निकल एनालिस्ट। फिर उसके बाद जो जर्नी है वो अभी जाके सरमाया पे हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया था मैंने और लेख भाई ने। तो उधर एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ, एक ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है, अब ट्रेनर भी बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेंटोरशिप भी चल रही है। तो ये सारी जर्नी है कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, कैसे लॉस करते हैं, लॉस करने के बाद फिर कहाँ जाके आप खड़े होते हैं और अपने आपको कैसे रिवाइव करते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बाकी इसमें ये इस कहानी में बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं जो मेरे ख्याल में इस पूरे सेशन में खत्म हो जाएंगी। मतलब सेशन 3 घंटे का हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में इसको शॉर्ट ही रखते हैं। तो जी अब आप बताएं। थैंक यू वेरी इंस्पायरिंग फराज भाई। यहाँ पे मे बी कुछ ऐसे लोग भी हों के जो टेक्निकल्स को नहीं अंडरस्टैंड करते, तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, अगर थोड़ी सी डिटेल बताएं एज अ लेमैन व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस और हम क्यों करते हैं ये। देखें टेक्निकल एनालिसिस कोई सा भी हो, आप उसमें डिसीजन मेकिंग को लेकर आ रहे होते हैं, आप एक डिसाइड कर रहे होते हैं एक स्ट्रेटेजी को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फंडामेंटल एनालिस्ट हैं तो आप एक कंपनी की वैल्यूज को देखेंगे, उसके रिजल्ट्स को देखेंगे, उसके रेवेन्यूज को देखेंगे क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, या उसके जो कंपनी के आगे रोड मैप है कि उसके फिर प्रोजेक्शंस निकालेंगे कि अगर ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं इस कंपनी के तो उसकी अर्निंग क्या बनेगी और शेयर पे क्या इफेक्ट आएगा। तो टेक्निकल्स आपको चार्ट्स के ऊपर जो प्राइस चल रही होती है ऑन डेली बेसिस या ऑन आवरली बेसिस, वो आपको ये बताती है कि आपकी बेस्ट पॉसिबल एंट्री क्या है और बेस्ट पॉसिबल एग्जिट क्या है। तो टेक्निकल्स आपके फंडामेंटल्स को बैक करते हैं, फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को बैक करते हैं। ये आपकी पोजीशन जो एंट्री होती है, जो एग्जिट होती है, वो डिफाइन करती है। और अगर आप जितने बेहतरीन एनालिस्ट होंगे उतनी बेहतरीन आपकी एंट्री पॉइंट होगी, उतनी बेहतरीन एग्जिट लेवल होगा आपका। एग्जिट लेवल दोनों तरीके से हो सकता है। एग्जिट आप प्रॉफिट में भी लेते हैं, एग्जिट आप लॉस में भी लेते हैं। सो टेक्निकल्स अब मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान में या कहीं बाहर भी लोग क्यों कहते हैं कि टेक्निकल्स नहीं काम करते या फेलियर्स क्यों हैं टेक्निकल्स पे, उसकी रीजन ये है लोग जो है ना स्टॉप लॉस को नहीं वेट करते और वैल्यू करते, स्टॉप लॉस नहीं हिट होने देते। वो ये कहते हैं अगर ये टेक्निकल एनालिस्ट ने बताया है तो ये सीधा सीधा ऊपर ही जाना चाहिए, 100% वो उनको रिजल्ट चाहिए। 100% रिजल्ट दुनिया में कोई इंसान किसी भी फील्ड में हो ही नहीं सकता। अगर आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर आप साइंटिस्ट हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, क्या आपके 100% डिसीजंस जो हैं वो ठीक हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते, फिर तो आप इंसान ही नहीं रहे ना। तो वो ये समझते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो गया तो टेक्निकल एनालिस्ट बिल्कुल फारिग है, इसकी गलती है। उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि ये स्टॉप लॉस हिट होना उनके लिए फायदा है। अब लेट से अगर किसी ने नेटसॉल 350 पे खरीदा हुआ है, उसका स्टॉप लॉस 320 का होता तो उसको उस टाइम तो 30 रुपीज का लॉस था, लेकिन इस टाइम नेटसॉल जो है वो 80s में कहीं ट्रेड कर रहा है, जो उसके लेट से 3.5 लाख रुपए इन्वेस्टेड थे वो इस टाइम 80,000 रुपए रह गए। तो जब टेक्निकल एनालिस्ट आपको स्टॉप लॉस बता रहे हैं कि यार सिर्फ 30,000 का स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस हिट कराएं कोई बात नहीं, आपको नीचे डिस्काउंटेड लेवल पे मिल जाएगा, लोगों को ये बात नहीं समझ आती। फिर वो कहते हैं कि ये आपके टेक्निकल्स किसी तरह से काम नहीं करते और बेकार हैं, उनको 100% रिजल्ट चाहिए। मेरे एक दोस्त हैं वो राजपूत हैं, तो मैंने उनको कहा कि सर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लें, ये स्टॉप लॉस होगा तो अगर ये हिट होता है ये फिर बेरिश हो जाएगा, यानी नीचे जाता रहेगा और ये फिर टाइम लेगा बढ़ने में।
तो उन्होंने कहा जी हम तो राजपूत हैं, हार तो मानते ही नहीं है कभी। सही। तो माशाल्लाह से जो उनका पोर्टफोलियो है वो 3 करोड़ से इस टाइम 50 लाख पे चल रहा है, सिर्फ इस राजपूत अपनी कास्ट के ऊपर लेके कि टेक्निकल एनालिस्ट फजूल है और राजपूत हमेशा से चैंपियंस रहते हैं। सो ये मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो राजपूत हार नहीं मानते तो इस उस पर चल रहा था। सो टेक्निकल्स बेसिकली आसान लफ्जों में आपकी एंट्री पॉइंट बताता है और एग्जिट पॉइंट बताता है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल फराज भाई। जी। तो बहुत आसान लफ्जों में टेक्निकल्स आपकी डिसीजन मेकिंग को आसान करता है। आपको जब 2 लेवल्स पता होते हैं कि यहाँ मुझे एंट्री लेनी है, यहाँ मुझे एग्जिट लेना है, आपके लिए आप मेंटली सुकून में आ जाते हैं। आपको पता है आपको स्ट्रेट पे लॉस कितना करना है, आपको पता है कि मैं स्ट्रेट पे प्रॉफिट कितना करूंगा। अगर तो मैं लॉस करता हूँ तो फिर मेरा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, नेक्स्ट ट्रेड प्लान क्या होगा, ये सब कुछ आपको सिखाता है। रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पाकिस्तान में लोग बहुत ज्यादा लैक कर रहे हैं। आप इवन क्रिप्टो मार्केट में देख लें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के इन्वेस्ट कर दिया 65-60,000 डॉलर पे बिटकॉइन। अभी बिटकॉइन ने थोड़ा सा रिबाउंड किया बट स्टिल 24,000 डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो बुरा हाल है, सिर्फ इस उस पर एक छोटी सी नॉलेज नहीं है उनको कि स्टॉप लॉस रखना है या एग्जिट लेवल लेना है। जी सही सही फराज भाई, आपकी जो मैंने पहले मेंशन किया था जो वीडियोस होती थी वीकली वीडियो, वो बहुत यूनिक होती थी क्योंकि आप उसका सीजनल और हिस्ट्री में चले जाते थे, ऐसी ऐसी चीजें निकाल के लाते थे जो कि बिल्कुल नई होती थी और कभी किसी और के एनालिसिस में नहीं नहीं नजर आई आमतौर पे। तो आपका क्या है फेवरेट वे ऑफ डूइंग एनालिसिस क्या है? आप को अगर एक स्टॉक एनालाइज करना है या मार्केट को एनालाइज करना है तो आप बैठ के किस तरह स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे आप, सो दैट मैं एज ए शागिर्द या दूसरे अगर उसको हम शेडो करते हैं तो व्हाट इज योर वे ऑफ एनालाइजिंग? आपके सवाल को 2 हिस्सों में करते हैं। पहले तो आप ये कह रहे थे कि एनालिसिस हटकर होते हैं और आप क्यों इस तरह से करते थे। उसकी रीजन ये थी कि जो टेक्निकल एनालिस्ट को बदनाम किया हुआ था, वो कुछ लोग हैं जिन्हों को प्रॉपर एनालिसिस नहीं करना आते, कुछ इंडिकेटर्स के ऊपर रिलाय करते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर वो बाय सेल करा रहे होते हैं। और जब वो फेल होना शुरू हो जाता है, स्टॉप लॉस की स्ट्रीक शुरू हो जाती है, तो वो गायब हो जाते हैं। तो इसलिए भी टेक्निकल एनालिस्ट बदनाम थे। और मेरा जब एनालिसिस जब मैं करता था वीडियोस में, मेरी कोशिश ये होती थी मैं कोई ऐसी चीज दिखाऊं आप लोगों को कि जो किसी और एनालिस्ट ने नहीं देखी। बहुत मेहनत उस पर लगती थी कि मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आ रहा हूँ, या मैं कम से कम एक चार्ट के ऊपर जब मैं 100 इंडेक्स को रिव्यू कर रहा होता था तो कम से कम मुझे उसके ऊपर 6-7 घंटे चाहिए होते थे। अब एक बंदा अगर आप 6-7 घंटे के एनालिसिस एक ही चार्ट पे लगा रहे हैं तो उसका फिर रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। और एक जगह आप कहीं 2 मिनट का इंडिकेटर देख रहे हैं, लेट से मैकडी ने बुलिश दिखा दिया तो आपकी वो स्ट्रेटेजी जो है वो फेल होगी, और अगर मार्केट बेयरिश है तो कहने का ये मतलब था कि मेरी कोशिश यही होती थी लोगों की हेल्प इस तरीके से हो कि उनको प्रॉपर एनालिसिस करने का तरीका आना चाहिए। अच्छा, अब मुझे जो फेवरेट स्ट्रेटजीज पसंद है, सबसे पहले जो ऑर्गेनिक है, दाओ थ्योरी, सिंपल ट्रेंड पे चले जाएं, सिंपल ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड, हायर हाईज एंड हायर लोज, ट्रेंड कर रही है मार्केट सिंपल, और सबसे ज्यादा पैसा ही उसमें बनता है जब मार्केट ट्रेंडिंग मूव में हो। यहाँ पे लोग गलतियां क्या करते हैं कि टॉप पे आ जाते हैं जब बहुत ज्यादा हाइप होती है किसी भी चीज की, किसी भी एसेट क्लास की जो ट्रेडेबल हो, इवन क्रिप्टो हो या स्टॉक मार्केट हो, एग्जैक्ट टॉप पे आके पकड़ेंगे, आसान लफ्जों में बालों से आके पकड़ लेंगे। सही। तो वो जो पीक होती है वो बेसिकली उसको ट्रेड करते हैं कि यहाँ से अब और बढ़ेगा। तो जो बिल्कुल ऑर्गेनिक थ्योरी है डाओ, जिसकी ब्रांचेज हैं, जो बाकी जितनी भी नई थ्योरीज निकली हैं वो उसकी ब्रांचेज हैं, तो आप उस पे जाएं बिल्कुल बेसिक्स पे और सिंपल प्राइस एक्शन रखें कैंडलस्टिक्स पे। ये सबसे बेहतरीन टूल है, सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। जितना आप सिंपल रखेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, उतने आपके बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे और उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी, आप ट्रेंड को राइड करेंगे, आप अच्छे पैसे बनाएंगे, स्कैल्पिंग नहीं करेंगे। स्कैल्पिंग ही होती है कि प्रॉफिट तो आपने थोड़ा सा ले लिया लेकिन लॉस इतना बड़ा रख लिया। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ये तो मुझे जो सबसे फेवरेट लगती है वो डाओ थ्योरी है और उसके ऊपर आपके प्राइस एक्शन है। जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा।
राज भाई, आपने ऑलरेडी मेंशन किया था कि टेक्निकल्स को लोग किस नजर से देखते हैं, और अगर हम पढ़ें भी तो हमें पता चलता है किस तरह एक डिबेट रही है बिटवीन एनालिस्ट्स फंडामेंटल और टेक्निकल के। ये एक मिथ भी है। अभी किसी ने मुझे रिप्लाई भी किया था ट्वीट में कि पाकिस्तानी मार्केट इज अ प्लेस फॉर गैम्बलर्स, तो आपका यस और नो में क्या कहते हैं कि हमारे टेक्निकल पीएसएक्स से पे वर्क करते हैं या नहीं वर्क करते, जिस तरह बहुत सारे लोग कहते हैं जी वर्क नहीं करते। इज दिस मिथ आर इट्स अ देखिए, जिनको रियलिटी? नहीं काम आता ना, वो तो आसान लफ्जों में यही कहेंगे कि नहीं करते। उनके लिए नहीं करते होंगे, उसकी रीजन ये है, वो प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे। जो अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट है, अब मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत बेहतरीन एनालिसिस करके पैसे बना रहे हैं, तो बिल्कुल काम करते हैं। सिर्फ पीएसएक्स में नहीं करते, दुनिया का जो आपका ट्रेडेबल एसेट है, जो भी चार्ट नजर आता है आपको, जिसपे प्राइस एक्शन चल रही होती है, वो सब ट्रेडेबल है टेक्निकल्स के ऊपर। पहले मेरे ख्याल में टेक्निकल एनालिसिस ही शुरू हुए थे, बाद में फंडामेंटल्स आए थे। तो बिल्कुल काम करते हैं जी, बिल्कुल काम करते हैं। जो जिन बेचारों को नहीं आता या नहीं समझ या गलत हाथों में चले गए, वो तो ये कहेंगे कि नहीं काम करते उनके लिए। फराज भाई, आपने ऑलरेडी मेंशन किया थोड़ा सा हाउ डिड यू स्टार्ट लर्निंग टेक्निकल्स, बट जो मुझे याद है कि आप जब यूएई में आए तो आपने वो बॉट्स वगैरह भी बनाए और इस तरह आपने काफी पढ़ा भी, तो क्या टेक्निकल एनालिस्ट होने के लिए इंजीनियर होना जरूरी है, या मैथ अच्छी होनी चाहिए, या लॉजिक्स अच्छी होनी चाहिए? क्योंकि आपने जो बॉट बनाया, ऑफ कोर्स उसकी बेसिस में तो बैक पे लॉजिक्स ही थे, तो ये थोड़ा सा बताएंगे कि एक आम बंदा भी टेक्निकल लर्न कर सकता है, या उसको थोड़ा सा होना चाहिए, लिटरेट होना चाहिए अबाउट मैथ या इस तरह? तो थोड़ा सा अगर वो एक्सपीरियंस तो शेयर करें किस तरह आपने बॉट बनाया और पढ़ा और उसको अप्लाई किया, सही। अच्छा तो अगर ब्रीफ जी जी बता जी दें। देखिए, अगर आपको मैथ्स आता है, आप अच्छे हैं कैलकुलेशंस में, वो ऑब्वियसली प्लस पॉइंट होता है, सिर्फ इस फील्ड में नहीं, दुनिया के हर काम में। सेकेंडली, आप इंजीनियर हैं, एडवांटेज होता है। अगर मैं इंजीनियर ना होता तो शायद मैं ये ना सोचता कि एआई का जमाना है, सब कुछ इंसान का काम खत्म हो जाएगा, कंप्यूटर्स काम करेंगे, तो मैं इस तरफ फिर नहीं सोचता, इस तरह से नहीं सोचता अगर मैं इंजीनियर ना होता। सही। और दूसरी बात, इस टाइम इतना आसान हो गया है सारे काम, जो 6 साल 7 साल पहले मुझसे नहीं हो रहे थे, वो इतने आसान हो गए हैं। आपके पास फ्रीलांसर्स प्रोग्रामर्स बैठे हुए हैं। अगर आप डॉक्टर हैं या आप एक अकाउंटेंट हैं, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, आपको कोडिंग नहीं आती, बट यू हैव ए स्ट्रेटेजी जो कि आपको लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर मैं इसको प्रोग्राम कर लूं और ये मेरे लिए काम करेगी, मेरी जगह कंप्यूटर काम करेगा, तो इस टाइम बहुत आसान है। $50 के ऊपर आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा सारा, $100 के ऊपर आपको एक अच्छा प्रोग्रामर मिल जाएगा फ्रीलांसर्स वेबसाइट्स पे। तो आप अपने जो भी आपकी स्ट्रेटेजी, आप उसको आसान लफ्जों में लिख दें कि भाई मुझे ये इस तरीके से इंडिकेटर बनाना है या बॉट बनाना है, तो आप मेरे रिक्वायरमेंट है, आप काइंडली बना दें। वो मेरे ख्याल में 5 से 6 घंटे के अंदर आपको बना देगा। तो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ मुनीब की। अक्सर लोगों ने मेरे वीडियोस में उस बॉय का नाम सुना होगा। वो इंजीनियर नहीं है, उसने बीकॉम किया हुआ है, एक छोटे से शहर से है। और जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी, उसमें जो मैंने अपने बॉट की स्ट्रेटेजी डिस्कस की, उसने अगले दिन ही कोड करके दे दी। तो वो बीकॉम का है। अच्छा, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे उसने जाके काम किया, कंप्यूटर ने उसके लिए प्रोग्राम करके दे दिया। ऐसी वेबसाइट्स भी बन गई हैं, तो इतना एडवांस हो गया है। तो हम उस जमाने में है ही नहीं, हम बहुत आगे निकल चुके हैं जो आपकी टेक्नोलॉजी है। तो आप बोलें और आपके लिए वो कोड हो जाएगा, खुद से कंप्यूटर कर देगा। तो उसने एक दिन में खड़ा कर दिया, बॉट बना दिया। तो वो प्रोग्रामर नहीं है, तो कर सकते हैं। तो इस टाइम बहुत आसान है हर काम करना दुनिया में, सिर्फ ये ट्रेडिंग का बॉट बनाना ही नहीं है। आप दुनिया में जितने काम हैं जो आप प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। जी, फराज भाई, आपने स्टॉक्स में भी ट्रेड किया है, पाकिस्तान में भी, अभी भी आप पोर्टफोलियोज भी मैनेज करते हैं,
फिर आपने क्रिप्टोज में भी करते हैं, लाइव भी करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो आपका अगर मैं पूछूं कि फेवरेट एसेट क्लास क्या है जिसमें आप ज्यादा ट्रेड करते हैं? और एक तो उसमें रीजन सिंपल हो सकती है कि आपने जैसे बॉट बनाया पाकिस्तान में तो वो नहीं अप्लाई हो सकता, तो ग्लोबल मार्केट्स में MQL5 वगैरह पे 4 पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आज आज के फराज भाई से मैं पूछूं कि उनका फेवरेट एसेट कौन से हैं जिनमें वो ट्रेड करते हैं? देखिए, आजकल तो मैं PSX को ट्रेड करता ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, टाइम ही नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में जब से मैंने पर्ल से रिजाइन किया है जनवरी की एंड से, तो मेरा यही था कि मैं PSX, क्योंकि PSX में बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी, रिवॉर्ड उतना नहीं था। और दूसरी तरफ जहाँ पे आपके ऑटो ट्रेड चल रही है, फॉरेक्स और क्रिप्टो दोनों मार्केट्स बहुत जबरदस्त हैं। मैं यहाँ बैठा हुआ प्रमोट नहीं कर रहा कि आप लोग बाहर पैसा लेके जाएं या डॉलर्स में वो करें। अगर आप लोगों के रिलेटिव्स कहीं बाहर हैं जो लीगली आप लोगों के लिए अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं तो जरूर करें। जो मेरे ट्रेडेबल फेवरेट एसेट्स हैं, सबसे ज्यादा मैं US टेक NASDAQ को करता हूँ, जो बाहर की गोरों की मार्केट है। उससे बेहतरीन कोई है ही नहीं। इतना वॉलेटाइल है, इतनी खूबसूरत ट्रेंड्स बनाता है। शाम को पाकिस्तान टाइम 6:30 बजे होता है शुरू, मैं वो करता हूँ, वो बहुत अच्छा टाइम है। फिर क्रिप्टो पे, बाइनेंस पे या कहीं पे भी किसी भी एक्सचेंज पे API बेस्ड आपकी बॉट्स लग जाते हैं, जो हम कर भी रहे हैं जस्ट ट्रेड सिग्नल्स के थ्रू। आप लोग घर बैठे, मतलब आप मार्केट नहीं देख रहे और ऑटोमेटिकली आपका पैसा बन रहा है। सिर्फ आपको क्या करना है, पीछे सब्सक्रिप्शन फी देनी है, दैट्स इट। और आपका जो पोर्टफोलियो खुद ही रन हो रहा होगा ऑटो ट्रेड्स के ऊपर, कॉपी लगी होती है बेसिकली। तो क्रिप्टो में मुझे जो पसंद है, इथेरियम में मैं अभी लॉन्ग हुआ था $1,000 से, राइट नाउ 1700 चल रहा है। इथेरियम मेजर जो हैं, BTC, इथेरियम, इनको ट्रेड करता हूँ, ऑल्ट्स को कम करता हूँ, टाइम इतना नहीं मिलता। लेकिन फॉरेक्स पे अगर बात करें, pound USD, आप लोग PMEX पे भी ट्रेड कर सकते हैं, इवन NASDAQ भी PMEX के ऊपर ट्रेड होता है, जो कि पाकिस्तान में लीगल है। ये दोनों एसेट्स क्लास बहुत जबरदस्त हैं, ट्रेडेबल है और मेरे फेवरेट हैं, मैं ज्यादातर इन्हीं में ट्रेड करता हूं। जी थैंक यू फराज भाई। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले सब दोस्तों को कहता हूं कि प्लीज अपना हैंड रेज कर दें, स्पीकर दिया हुआ है, मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो यूटिलाइज हो गई है। प्लीज रेज योर हैंड, आई विल कॉल योर नेम and then one by one we will give opportunity to everyone. So वहाँ पे एक hand raise करने का होता है जो extreme right side में है, एक दूसरा होता है वो थोड़ी देर बाद disappear हो जाता है, तो वो extreme right side वाला hand जो है ना उसको click करें। फराज भाई last question, ये पहले वाले से related ही, कि मैं एक student हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ या मैंने graduation कर ली है, job नहीं मिल रही और मैं चाहता हूं कि टेक्निकल सीख लूं या सीख लिए, मैं इससे किस तरह अर्न कर सकता हूं अपनी इनकम, या मैं किस तरह अगर जॉब नहीं मिल रही तो इसको मैं एक वे ऑफ अर्निंग बना सकता हूं, इनकम का एक जरिया बना सकता हूं। तो अगर मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूं तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से पाकिस्तानी जो यंग हमारी जनरेशन है या जो ओल्ड भी हैं, जो रिटायर्ड हैं जिन्होंने टेक्निकल सीखे हैं या फ्री हैं और टेक्निकल सीख लेंगे, वो कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, अगर पैसे हैं भी अगर नहीं भी तो किस तरह, दोनों को आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, सबसे पहला मशवरा तो बड़ा जबरदस्त किस्म का वो यही है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कभी भी आप अपने पैसे नहीं डालें बगैर इन्वेस्टमेंट के पैसा बनाए। अब बगैर इन्वेस्टमेंट के आप कैसे पैसा बना सकते हैं? इस टाइम बाहर ऐसे ऐसे काम शुरू हो गए हैं। देखें, आसान लफ्जों में जब भी आप गूगल करेंगे आपको कहेगा 95% आर लूजर्स, 90% आर लूजर्स, 75% आर लूजर्स। तो जो अच्छे कामयाब एनालिस्ट हैं या कामयाब ट्रेडर्स हैं, उनका फुकदान है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, बाहर हमेशा गोरे हमसे बहुत आगे रहते हैं, तो एक आइडिया आया उन लोगों को कि यार क्यों ना हम एक ऐसी फर्म बनाएं जहां पे हम ट्रेडर्स को हायर करें और इस बेसिस पे करें कि अगर वो पैसे बना देते हैं, 80% प्रॉफिट स्प्लिट उनका ट्रेडर का। लेट्स से अगर आपने $10,000 बनाए हैं तो $8,000 प्रॉफिट हो गया
आपका शेयर ट्रेडर का जो कि एनालिस्ट है और 20% उस कंपनी का। आप ये देखें कि कितना बड़ा फुकदान है कि वो सिर्फ अपने, और मजे की बात आपको पैसा लगाना भी नहीं है, आपको पैसा लगाना ही नहीं है, ये फ्री में आपसे काम करा रहे हैं आपके स्किल्स के ऊपर। सो मैं ये कहता हूँ ये रेवोल्यूशन है इस टेक्निकल इंडस्ट्री में या ट्रेडिंग इंडस्ट्री में कि आपको पैसा लगाना ही नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी देनी है। मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं करूंगा, किसी प्रॉप फर्म का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब जेन्युइन है, सब पैसे देते हैं और कोई फ्रॉड नहीं है। और ये पैसा पाकिस्तान में डील के थ्रू आता है जो कि पाकिस्तान में लीगल है, वो आपका CNIC NTA नंबर लेते हैं, जो बैंक रेट चल रहा होता है, और वही आपको एक्सचेंज रेट मिलता है। मतलब कोई दो नंबर ही नहीं है, कोई हुंडी हवाले वाला काम नहीं है, सीधा आपके बैंक में पैसे आते हैं एज अ फ्रीलांसर। और कॉन्ट्रैक्ट बकायदा साइन होता है आपका उसके ऊपर, डील के ऊपर, कि आपने ये मेरे लिए काम किया और आपने $8,000 बनाए। तो हमारे जो अलमनाई में स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट होते जा रहे हैं, तो मैं तो फुल टाइम उनको यही प्रमोट कर रहा हूँ कि यार पैसे नहीं डालने, बगैर पैसों के आपने काम करना है। अगर फर्ज करें लॉस हो भी गया तो कंपनी की तरफ से स्टॉप लॉस लेवल डिफाइन होता है कि हम इतना लॉस बेयर कर सकते हैं, इससे ज्यादा किया तो हम आपसे अकाउंट ले लेंगे। अगर वो आपसे अकाउंट दे भी लेते हैं, सो देर आर इस टाइम 40+ कंपनीज ऐसी हैं जो ये ट्रेड करा रही हैं इस तरीके से प्रॉप फर्म्स के थ्रू, तो आप दूसरे पे जाके अटेम्प्ट कर लें। और बाय द वे रीसेट की ऑप्शन होती है, आप उसी प्रॉप फर्म के साथ भी काम करना चाहते हैं तो आप अपना अकाउंट रीसेट करें और दोबारा काम शुरू कर दें। इस टाइम ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज है इस इंडस्ट्री में, और मैं जो ट्रेनिंग करा रहा हूँ, अगेन मैं प्रमोट नहीं कर रहा, तो मैं सबको इसी माइंडसेट से करा रहा हूँ कि यार आपने अपने पैसे, अब मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, किसी ने $70,000 खत्म किए हुए, किसी ने 3 करोड़ रुपया खत्म किया हुआ, किसी ने 4 करोड़, अब कहते हैं मुझे तरीका बताओ मैं कैसे इसको रिकवर करूँ। सो सबसे बेहतरीन तरीका ही यही है कि आप बगैर पैसों के पैसे बनाएं। फिर ये तो सिर्फ एक काम हो गया, फिर ऐसी वेबसाइट्स हैं, eToro हो गया, या ऐसी ब्रोकर्स की हैं जहाँ पे आप एज अ स्ट्रेटजी मैनेजर काम कर सकते हैं। आप अपने स्टैट्स शो करें, आप ट्रेड करें, 3 मंथ्स में आपको अकाउंट्स में आपके इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। फिर आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हो गई, फाइवर अप वर्क, वहां पे आप अपने एनालिसिस पोस्ट करके पैसे बना सकते हैं। इतना काम है, इतना काम है, और ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में तो है ही नहीं, मतलब कोई सोचता ही नहीं है इस बारे में, किसी को पता ही नहीं है, ना कोई गाइड कराता है। वो सिंपल यही है, आसान लफ्जों में यहाँ पे फेसबुक पे गुरु बैठे हुए हैं, वो फॉल्स आपको प्रॉफिट दिखाएंगे और कहेंगे ले आओ पैसा आप अपना, वो बेसिकली अपने कमीशन के लिए कर रहे होते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉमन है PSX में भी, बहुत ज्यादा कॉमन है फॉरेक्स, PMEX, सब जगह वो आपके पैसे मंगवाएंगे, आपको सिग्नल्स देंगे, एक दो ट्रेड्स ठीक हुई, तीसरे में आपका अकाउंट वॉश हो गया, फिर आपको कहेंगे और पैसा लेकर आओ रिकवरी के लिए, फिर आप और पैसा लेके जाते हैं, फिर वो भी खत्म हो जाता है, फिर आप और पैसा लेके, तो अपना पैसा आपने लगाना ही नहीं है। और टेक्निकल्स के ऊपर आप पैसे बना सकते हैं बहुत ज्यादा, $10,000, $20,000। लोगों को यकीन नहीं आता, मैं अगर पे आउट दिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स के, वो कहते हैं यार इट्स टू गुड टू बी ट्रू, किसी को यकीन नहीं आता इन चीजों पे। PSX में ये काम अभी नहीं शुरू हुआ, बेसिकली हम लोग बहुत प्यार करते हैं कायदे आजम से, हम उनके जमाने से निकलना ही नहीं चाहते आगे, हम कोई एडवांस टेक्नोलॉजी ही नहीं लाना चाहते आगे PSX में। तो ये चीजें स्ट्रगल करती हैं, अगर ये सब कुछ आ जाता है, आपकी इतनी बड़ी 63% यूथ है, आपकी PSX ग्रो कर जाएगी इतने बेहतरीन तरीके से, आपकी PMEX जो फॉरेक्स मार्केट है पाकिस्तान में लीगल कमोडिटी के लिए, इवन आप उस पे इंडेसेस जो हैं US मार्केट के वो भी ट्रेड कर सकते हैं, उसको आप लोग फ्लरिश करें इस तरीके से, प्रमोट करें। इतना बच्चा जॉबलेस बैठा हुआ है पाकिस्तान में, इतनी यूथ पाकिस्तान में जॉबलेस है, तो एक इतनी बड़ी वैक्यूम क्रिएट की हुई है ही नहीं, बहुत शैलो रखी हुई है मार्केट, क्योंकि शैलो मार्केट जो होती है इजीली आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और नहीं वो करने देते। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये कौन करेगा, कब करेगा, बेसिकली वही माइंड सेट है जब 20 साल पहले कंप्यूटर्स नहीं आए थे PSX में, फ्लोर पे खड़े होके जब ये शेयर्स को बेच रहे होते थे। सो वही लोग हैं, वही लोग रन कर रहे हैं, नई जनरेशन आई नहीं है, मौका नहीं देते, जिनको बेचारों को देते भी हैं उनको कमीशन बेस्ड रखते हैं, वो क्लाइंट्स के अकाउंट्स वॉश करके चले जाते हैं। सो बहुत मसले मसाइल हैं, बाहर ऐसा कुछ नहीं है, आप 3 महीने काम करें, अपने स्टैट्स दिखाएं, इतना पैसा आपके पास आ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी कि यार इसको मैं मैनेज कैसे करूंगा।
तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप सिर्फ टेक्निकल्स को सीख लें और समझ लें, उसके ऊपर काम करना शुरू करें, तो बहुत बहुत कुछ बेहतर हालात बंदा अपने भी बना सकता है, अपने फैमिली के भी बना सकता है। जी खजर, थैंक यू फराज भाई. लेट्स गो विद द क्वेश्चंस. क्रिप्टो टेक फ्यूजन प्लीज. जी खजर भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही जी जी बिल्कुल. जी। अच्छा, मेरा नाम सलमान रशीद है और मैं फराज भाई का स्टूडेंट हूँ। संडे की मेरी 6 PM की क्लास होती है। तो सबसे पहले खजर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। मेरे 3 पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं फराज भाई और लेख भाई से बात करूंगा, देन मैं टेक अवे बताऊंगा, फिर मेरा एक क्वेश्चन होगा फराज भाई से, और फिर एक सजेशन होगा एंड पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब 22 साल मेरी जिंदगी के पाकिस्तान में गुजरे हैं, और मेरी किसी ने फाइनेंशियल काउंसलिंग नहीं की, और मुझे नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करना है या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है या इन्वेस्टमेंट प्लान अदर देन रियल स्टेट और एक रेस्टोरेंट चलाने के क्या हो सकते हैं। तो फिर खैर मैं बाहर आया मेलबर्न में, अभी सैटरडे नाइट है और मैं अभी बैठा हूँ रात के 3 बजे ये सेशन ले रहा हूँ। तो ये इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोगों ने जो 90 to 95% इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अदर देन उनकी जो एक मेन अर्निंग होती है, चाहे वो बिजनेस से है चाहे वो जॉब से है, वो 100 to 1000 dollars कमा रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो स्टॉक्स में कर रहे हैं, वो और फंड्स में कर रहे हैं, या वो क्रिप्टो में कर रहे हैं। तो ये जो नॉलेज लाइक भाई दे रहे हैं और फराज भाई दे रहे हैं टेक्निकल एंड से, इसके लिए फराज भाई आप और लाइक भाई आप दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। और सेकेंडली, जो मेरा बेस्ट टेक अवे है, जो अभी तक 6 7 वीक्स हमारे हो चुके हैं फराज भाई के साथ, तो जो 6 टाइप की टेक्निकल टेक्निक्स फराज भाई ने बताई, उसमें बेस्ट टेक अवे जो है ना, वो मेरे लिए स्टॉप लॉस है। मैं क्रिप्टो में स्पेशली लास्ट 2 ईयर से काम कर रहा हूँ, और स्टॉप लॉस का मुझे पता था हल्का बुल्का लगा, लेकिन इंपॉर्टेंस मुझे फराज भाई के लेक्चर्स के बाद पता चली है, और उसको उसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है, उसको अब मैं कर रहा हूँ। अच्छा, थर्ड जो अभी मेरा क्वेश्चन है फराज भाई के लिए, वो ये है कि फराज भाई मैं एक इन्वेस्टमेंट साइकिल जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ, फुल टाइम हूँ, लेकिन वर्क फ्रॉम होम मेरा चाह रहा है। मेरी आप वाली लाइफ ही है जो आपकी आज से कुछ 10 साल पहले थी। मैं आपके लेवल का तो नहीं हूँ, मैं एनपी लेवल का हूँ, लेकिन यह है कि क्योंकि मेरा पैशन है क्रिप्टो में, ट्रेडिंग में, तो मैं दिन में वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं घुस जाता हूँ। पहले मैं सिर्फ होल्ड कर रहा था एसेट्स को, स्पेशली मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, मैं स्टॉक्स में नहीं जाता। तो क्या मैं एक होल्डिंग के माइंडसेट के साथ डे ट्रेडिंग का भी माइंडसेट चला सकता हूँ, अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें इसको? देखें, अगर आप जॉब कर रहे हैं, सबसे बेहतरीन जो टाइम फ्रेम है वो आपके लिए डेली टाइम फ्रेम होगा। उसमें आपने एक बॉटम पकड़ा, उसको 40 45 डेज के लिए राइड किया। वो 45 40 डेज की जो ट्रेड होगी वो आपके अगले 6 महीने के पैसे बना देगी। तो ये जो टाइम फ्रेम पे अगर आप आ जाएं डेली पे या वीकली पे, तो आप एक अच्छे पैसे बना सकते हैं। आपकी जो इन्वेस्टमेंट वाली थ्योरी है वो भी यहाँ पे पूरी हो जाती है कि आपने राइट टाइम पे एंट्री ली। और इन्वेस्टमेंट ये नहीं होती कि आपने पैसे डाले मेरे हिसाब से और 8 साल तक इंतजार करते रहे और टाइम मतलब साइक्लिक के ऊपर चल रहे हैं कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट 8 साल की है। मेरा ये मानना है, अगर आपकी वो इन्वेस्टमेंट 8 साल का रिटर्न आपको 2 महीने में दे देती है, तो वाई नॉट आप उसका प्रॉफिट बुक करें वहां पे। और स्मार्ट मनी इसी तरीके से फ्लो करती है। तो लोग जो ये थ्योरी है कि मेरी 8 साल की या 20 साल की इन्वेस्टमेंट है, तो वो मुझे लगता है कि आप जब टेक्निकल्स को सीख लेते हैं तो आराम से आप 2 महीने में भी वो पैसे बना सकते हैं। एक ट्रेड अगर आपको मिल जाती है, लेट्स से अभी इथेरियम की ट्रेड थी, $1000 से 1770 हो गई है, 70% रिटर्न आ गया आपको 2 हफ्ते के अंदर। सही। और ये ट्रेड हमने लाइव कॉल उस पर भी बताई थी सेशन में, तो 70% रिटर्न आपको इस टाइम मिल रहा है आज के दिन में। और ये लोग मेरा नहीं ख्याल कि यार पिछले 4 5 साल में भी किसी ने BTC या उसके ऊपर 70% कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर कोई प्रॉफिट बनाया होगा। जितने लोगों ने बनाए हैं वो लॉसेस में वापस आ गए। एक तो ये हो गया कि आप डेली टाइम फ्रेम्स के ऊपर काम करें आसानी से, उसमें टाइम कम लगेगा, मतलब आप जॉब के साथ चल सकते हैं। आपको रोजाना आके आधा घंटा देखना है उसकी क्लोजिंग कैंडल के, आज क्या इसका वो हो रहा है, जैसे ही उसने बॉटम डिफाइन किया आपने ट्रेड ओपन कर ली। जो अगर आप दूसरा काम करना चाह रहे हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, लेट्स से कोई 15 मिनट्स के चार्ट को ट्रेड कर रहे हैं, 1 आवर को कर रहे हैं,
वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है न्यूबीज के लिए, और स्पेशली उनके लिए जो बाकी भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं. अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं और आपकी सोर्स ऑफ इनकम यही है, तो फिर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करें. लेकिन अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ एकदम से किसी को, मैं ये नहीं कहता कि आप टेक्निकल सीखें और अपना जॉब रिजाइन करें और इसके बाद स्क्रीन के सामने बैठ के पैसे बनाएं, इतना आसान काम नहीं होता ये. तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है. एक टाइम आएगा, आप खुद रियलाइज करेंगे 2-3 साल के बाद, कि अब आप शॉर्टर टाइम फ्रेम के भी अच्छे प्लेयर बन गए हैं जहां पे आप पैसे बना सकते हैं. तो फिर आप जी जी हाँ, क्योंकि आप खुद रियलाइज करेंगे कि यार अब मेरी ट्रेड ठीक होना शुरू हो गई है, तो अब मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ कि मैं फुल टाइम एज अ ट्रेडर काम करूँ. और फुल टाइम एज अ ट्रेडर अगेन आपने अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने. इतनी और फील्ड हैं इसी फील्ड के अंदर कि आप उनमें से कोई एक भी ऑप्ट कर लेते हैं तो आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं. जी जी ठीक है. लास्टली बस मेरा एक सजेशन. जी लास्टली मेरा बस सजेशन है फराज भाई आपके लिए और लाइक भाई के लिए, कि आप लोगों को नहीं पता कि आप टेक्निकल एनालिसिस की ही सिर्फ हमारी काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल काउंसलिंग भी कर रहे हैं. तो शायद उसके लिए आपको अलग से भी चार्ज करना चाहिए, एक और स्ट्रीम बनानी चाहिए. तो बस मैं ये कहना चाहूँगा. और जो आपका कोर्स है बहुत ज़बरदस्त है सर, और मैं लुकिंग फॉरवर्ड के नेक्स्ट उसको हम कैसे लेकर चलेंगे. थैंक यू सो वेरी मच. फराज भाई आपको मैंने अनम्यूट किया, नॉइज था, म्यूट किया, अनम्यूट कर लें आप फराज भाई. ओके, किसी का माइक ऑन था और लॉट ऑफ नॉइज था. अच्छा, प्लीज़ क्वेश्चन मुक्त से रखें और फिर सबको बारी देते हैं. जी फराज भाई आप इनको आंसर करें, फिर रेहान साहब की तरफ चलते हैं. रेहान शेरवानी साहब. जी खिजर भाई, जबरदस्त आवाज, ठीक है फराज भाई, गो अहेड. हेलो जी फराज भाई, हम आपको सुन रहे हैं. हेलो जी, आवाज आ रही है? आप थोड़ा सा एक मिनट दे रजा साहब, मेरा ख्याल है उनको आवाज नहीं आ. फराज भाई आपकी आवाज तो हमें आ रही थी. फराज भाई फराज भाई जी जी मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है जी. फिर जी प्लीज जी गो अहेड. वो एक क्वेश्चन था लास्ट, अगर अभी याद है आपको. जी मैंने मेरे लास्ट क्वेश्चन सुना नहीं है, मेरे ख्याल में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. जी प्लीज. अच्छा चले रेहान साहब की तरफ चलते हैं, वो बाद में आ जाएंगे अगर टाइम हुआ तो. रेहान शेरवानी साहब प्लीज गो अहेड. जी अस्सलाम वालेकुम. मैं भी स्टूडेंट हूँ फराज भाई का. अभी सलमान जो बात कर रहे थे उनके साथ ही ग्रुप में होता हूँ. तो देखें वैसे तो जो हमारे टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग काफी जगह पे अपनी क्लासेस वगैरह में भी कर लेते हैं. थोड़ा सा मैं, क्योंकि फराज भाई इतना एम्फेसाइज करते हैं इस चीज के ऊपर कि एक स्किल ऐसी है जो लोग जिसको बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं. तो यहाँ पे जैसे अब लेट्स से आई एम अ मिड अपर लेवल कैरियर, मैं एक कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, कंट्री मैनेजर भी हूँ. तो मैंने जो नोट किया ना, जो चीज लोगों को, जो यहाँ पे लिसनर्स हैं जिनको जो लाइक देयर 20s अपने कैरियर्स को स्टार्ट करते हैं, मैंने ये कैलकुलेट किया जब से मैंने ये ट्रेनिंग स्टार्ट की है कि आई अप्रोक्सीमेटली वेस्टेड लाइक 5-6 years, जहां मैं जिस जगह लेट से 5 साल पहले पहुंच सकता था, मैंने वो वेस्ट किया बिकॉज आई डू नॉट हैव अ स्किल जो मुझे एक इतना सहारा देती कि मैं अपने, फॉर एग्जांपल यू वर्क अंडर यू नो नैस्टी बॉसेस, समटाइम्स आप डिग्रीज करते हैं
तो यू नो दे गॉट डिलेड बिकॉज ऑफ क्या आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जो आपको डिसीजन मेकिंग नहीं देती. हर कोई इतना ज्यादा यू नो इतना ज्यादा डेयरिंग नहीं होता जितने कि फारस भाई हैं कि जी एक काम करना है, जॉब छोड़ दी और सब कुछ किया. तो पहला तो मेरा ये एक ऑब्जर्वेशन है या लोगों को एक समझाने वाली बात है इफ दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि देखें एक स्किल ऐसी, ये एक स्किल है, एक साइंस है, इट विल टेक टाइम. इंजीनियर हम हैं, 6-6 साल पढ़ा है, उसके बाद एक कैरियर ग्रो किया है, 20 साल लगा दिया उसके ऊपर, राइट. आप उसको 6 महीने साल भी नहीं देना चाहते, तो ये उस प्रोफेशन के साथ भी थोड़ी सी एक कहते हैं ना कि ज्यादती हो जाती है. तो इसको अगर आप अपने अर्ली स्टेजेस में एज अ पार्ट टाइम या बाद में कैरियर के तौर पे भी चला सकते हैं, लेकिन आप इन स्किल्स को समझने की कोशिश करें इफ यू आर टू अर्ली और या आप बहुत ज्यादा मतलब अभी आपकी एज इतनी नहीं है. मेरा ख्याल है काफी लोग एग्री करेंगे कि अगर खिजर भाई भी इस बात को समझेंगे, फराज भाई भी समझेंगे, मुझे आइडिया है कि कोई मुझे बोले कि जी आपकी एज हम 10 साल कम कर देते हैं कि 10 करोड़ रुपए दे देते हैं, तो मैं बोलूंगा ठीक है एज कम कर दें एंड आई विल मेक द मनी, ठीक है ना. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनिशियल कैरियर में समझना इस बात को. और नंबर टू मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो शायद मैंने क्लास में पूछा था या मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है कि देखें क्योंकि मैंने ट्रेडिंग की भी है पहले और वो जो सब फेस से गुजरते हैं, नुकसान उठाया एंड एवरीथिंग, मैंने ये फील किया है कि मेरा ख्याल में फराज भाई इस बात पे एम्फसाइज करते हैं कि जी टेक्निकल्स पे अगर आप चलें तो मामला चल जाते हैं, लेकिन क्या कोई बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग, कोई यू नो 2-4 घंटे लगा के आप ऐसी चीजें समझ सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट करे टेक्निकल एनालिसिस को, या ऐसा नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस इटसेल्फ इज इनफ टू डू एवरीथिंग? देखें मेरे ख्याल में मेरी टर्न अराउंड स्टोरी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर थी. इससे पहले मैं फंडामेंटल एनालिस्ट था. सही है, बहुत से लोग नहीं जानते, बहुत से लोग ये समझते हैं यार इसको क्या पता फंडामेंटल्स का. तो शुरू मैंने, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन बताया, मैं पहले यही करता था, सबकी तरह खबरें देखता था, सबकी तरह कंपनीज की रिपोर्ट पढ़ता था, सबकी तरह कंपनीज को वो देखता था. मैं डिनाई नहीं करता कि आपको जरूरत नहीं होती फंडामेंटल्स की, लेकिन अगर आप सिर्फ टेक्निकल्स के ऊपर भी काम करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं. अगर आपको फंडामेंटल्स आते हैं तो वो तो डेडली कॉम्बो हो जाएगा आपके लिए. और दूसरी ये बात कि कोई भी चीज सीखना कोई बुरी बात नहीं है, और फंडामेंटल्स डेफिनेटली आपको पता चलेगा. अगर आप मैक्रो लेवल पे देखें इस टाइम, तो जितने फंडामेंटल एनालिस्ट हैं उन सबको पहले से पता था कि हालात बुरे होने वाले. तो बिल्कुल ठीक है, आप करें पढ़ें जो भी एनालिसिस करना चाहते हैं, फंडामेंटली टेक्निकल्स जो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा या है आप उसके ऊपर एम्फेसाइज करें. मेरे लिए टेक्निकल्स एक टर्न अराउंड स्टोरी थी, मैं इसलिए उसको मानता हूँ. फंडामेंटल्स होती तो शायद मैं फंडामेंटल्स के लिए बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा होता. तो मैं तो ये कहता हूँ दोनों काम करें, दोनों चीजें सीखें. सेकेंडली बिल्कुल मैं ये इम्प्रेशन नहीं देना चाहता किसी को भी कि आप अपनी जॉब छोड़ें और इस काम में आ जाएं, बिल्कुल भी नहीं. मैं मना करता हूँ. जब सबसे पहले कोई इन्वेस्टर भी आता है या क्लाइंट भी आता था मेरे पास ब्रोकरेज के लिए, जब मैं उधर था, तो मैं उनको सबसे पहले बगादर में कहता था यहाँ पे लॉस होगा आपको, प्लीज चले जाएं और कोई अच्छा काम करें. तो ये मेरा इम्प्रेशन बिल्कुल भी नहीं है कि आप इतना बड़ा रिस्क लें, क्योंकि जिस जगह पे मैं था शायद मुझे फैमिली नहीं रन करनी थी. मेरे घर में हालात इस तरह अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे फैमिली मुझ पे नहीं डिपेंडेंट थी, तो मैं रिस्क ले सकता था. तो बाकी जितने भी जो लोग सुन रहे हैं, मैं उनको कभी ये नहीं कहूंगा कि आप लोग आए. और इनकी बात रेहान भाई की बिल्कुल ठीक है, आपने 16-17 साल पढ़ी है, इंजीनियरिंग की है, उसके बाद आपका 10-12 साल की एक्सपीरियंस है, आपने जिंदगी के 26 साल दिए, और जहां पे आप ऊपर जाने का टाइम है आपके उसका करियर का, आप उधर से रिजाइन कर दें. गलती ना करें, बिल्कुल भी ना करें. और दूसरी ये बात भी समझने की है कि 26-27 साल की आपकी एक फील्ड की मेहनत है, लेट्स से इंजीनियर हैं आप या डॉक्टर हैं, और यहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं 3 महीने या 2 महीने ही सीख के यहाँ से पैसे बनाने लग जाऊं. सही, तो ये ज्यादती है, ये ज्यादती फिर आप अपने साथ कर रहे हैं. तो ये इम्प्रेशन अगर गलत जा रहा है मेरी इन बातों से जो पहले मेरे इंट्रोडक्शन में था, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ ये बात. जी
जी जी परफेक्ट, बस वही यही मेरा मकसद था कि ऐसा नहीं है इस पे, मुझे लगता है कि हमें 6 महीने साल या और ज्यादा भी इस पे लगेंगे और लगाने भी चाहिए। सो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी ट्रेनिंग फ़ास भाई, आपको प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल में प्रमोट तो वो हो चुकी है, और वरना फिर हम भी हैं यहाँ पे बैठे हुए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हम्बल आदमी हैं, आप कहते हैं कि मैं प्रमोट नहीं, लेकिन देखें जिस जो आपका प्रोसेस है ना, वो खासतौर पे हम जैसे लोग जो पहले कुछ काम कर चुके हैं ना, उनके लिए क्या होता है कि एक बेस को डिमोलिश करके वापस आना फिर भी बहुत तकलीफदायक अमल होता है। नए लोगों के लिए तो मेरे ख्याल में ये इतना आसान है कि ABCD से स्टार्ट करके पूरी अंग्रेजी समझाने वाली बात है, तो इसका प्रोसेस बहुत अच्छा है, आपका सिस्टम प्रोसेस तरीका आपने जो भी बनाया है ना, इट्स गोइंग टू बी इम्प्रूव, सो हैट्स ऑफ टू यू, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में आप जिंदगियों में तब्दीली तो ला रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू थैंक रेहान यू सर, सर। थैंक यू सर, अच्छा, मैं थैंक यू। रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा क्वेश्चन मुक्त से रखें, क्योंकि मेरे पास काफी रिक्वेस्ट हैं जिनको मैं ओके नहीं कर पा रहा, क्योंकि ऑलरेडी स्लॉट्स एलोकेटेड हैं। तो जो भी क्वेश्चन कर लेता है प्लीज वो अपने आप को ऑफ कर दे माइक से, स्पीकर से, वो स्पीकर वाली ऑप्शन कैंसिल कर दे सो दैट आई कैन ऐड मोर पीपल। अभी मुझे जो हाथ नजर आ रहा है वो है मिनिस्ट्री ऑफ जज्बात। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम राइट सलाम, प्लीज गो। मैं भी एक्चुअली स्टूडेंट्स में से ही हूँ फराज भाई के, मेरा नाम आकिब है, और मैं सबसे पहले फराज भाई को थैंक यू करना चाहूँगा, उनकी वजह से बहुत कुछ सीखा है इसलिए सिर्फ 5 और 6 वीक्स में। असल में मैं मेरी जर्नी कुछ स्टार्टर से हुई कि मैं ऑफिस में होता था और मेरी ऑफिस में सारे जैसे ट्रेंड चला था क्रिप्टो का, सब उसमें इन्वेस्टमेंट करते थे, और उन लोगों को कुछ ऐसी बेसिक नॉलेज नहीं होती थी, कोई चार्ट्स वगैरह कुछ नहीं उनको आता था, और बस ये बातें हुआ करती थी, तो मैं सोचता था कि यार इसके पीछे कोई साइंस तो होगी। फिर उसके बाद फराज भाई की पॉडकास्ट पर नज़र पड़ी, TVT में उनकी पॉडकास्ट देखी, और उसके बाद फिर साइन अप किया, उनके कोर्स को लिया, और विद इन 5 वीक्स, 5 to 6 वीक्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी नॉलेज हो गई है कि मैं अपने ऑफिस की कुलीग्स को, अपने दोस्तों को चार्ट्स बना बना की चीज़ें सिखा रहा होता हूँ, समझा रहा होता हूँ, और वो वाकई में एक्नॉलेज करते हैं कि वाकई में इसने कुछ सीखा है, तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगा फराज भाई को। और मैं साथ ये कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि आप लोगों को इनक्रेज करते हैं, डिस्करेज करते हैं कि वो अपनी जॉब नहीं छोड़ें और यहाँ पे पैसे डूब जाएंगे, ये सब वो मैं जानता हूँ आप क्यों करते हैं, बट मेरे अब फ्यूचर में एम बिल्कुल यही है फराज भाई, कि मैं अपनी जॉब क्विट करना चाहता हूँ और मैं फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता हूँ, एनालिस्ट बनना चाहता हूँ, और मैं इंशाल्लाह आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो मैं कराची से हूँ बट इंशाल्लाह मैं इस्लामाबाद आऊँगा, आपके साथ काम करूँगा, बहुत शुक्रिया, मेरा कोई जबरदस्त, क्वेश्चन नहीं था। थैंक यू। ये आपकी मेहनत है जो आप कर रहे हैं, इसी तरह मेहनत करते रहें। ये जी जी थैंक फराज भाई, ये थैंक यू फराज मुनीब की भाई। जॉब तो खतरे में लगती है। किसकी खतरे में लगती है? मुनीब के जी, नहीं वो अपनी जगह है, देखें सबकी अपनी क्वालिटीज होती है, तो आकिब क्या पता आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा एनालिस्ट बन जाए। थैंक यू फराज भाई। जी चल, थैंक यू। जी सैयद मोहम्मद रजा शाह साहब, प्लीज गो अहेड। ओके सर, सर थैंक यू सो मच। सर अभी लाइट चली जाएगी तो आई डोंट नो कि मैं आंसर सुन पाऊंगा या नहीं, लेकिन चले मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ सर। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सर मेरे 3 मुख्तसर से क्वेश्चंस हैं। सर पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सी बुक्स आप रिकमेंड करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के लिए, आपने खुद कौन सी बुक्स पढ़ी थी जब आप सीख रहे थे। दूसरा सर क्वेश्चन ये है कि सर कौन से इंडिकेटर्स हैं जो लैग नहीं करते, और एक और क्वेश्चन है मेरा सर, जो टेक्निकल एनालिसिस है वो कौन से फाइनेंशियल मार्केट को ज़्यादा सूट करती है, फॉरेक्स को, क्रिप्टो को, या स्टॉक्स को। थैंक यू सर। अच्छा, बुक्स आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, गूगल करें कैंडलस्टिक के, बहुत सी जापनीज कैंडलस्टिक्स के ऊपर हैं, आप कोई सी भी किताब पढ़ सकते हैं। जब मैंने सबसे पहली किताब पढ़ी थी मैंने मार्टिन फिंक की पढ़ी थी, कोई खास मजा नहीं आया था लेकिन स्टिल सीखने को काफी कुछ मिलता है जब आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं। दूसरा सवाल आपका लैगिंग इंडिकेटर्स के बारे में, देखिए इंडिकेटर्स सारे लैगिंग होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसमें एलिगेटर का नाम आ गया था, विलियम एलिगेटर के नाम से, बड़ा जबरदस्त इंडिकेटर है, वो थोड़ा सा आगे चल रहा होता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इंडिकेटर्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए, उससे बेहतर आप ऑर्गेनिक चले, नहीं के चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस करें,
और फिर काम करें। तीसरी चीज़ आप ये पूछ रहे हैं कि एनालिसिस टेक्निकल जो हैं वो किन मार्केट्स के ऊपर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। दुनिया की कोई सी भी चीज़ हो जिसका चार्ट बना हो उसके ऊपर टेक्निकल्स आप काम कर सकते हैं, कोई सी भी मार्केट हो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं फरीद हुसैन साहब के पास। फरीद साहब अस्सलाम वालेकुम। फराज भाई वालेकुम सलाम। अच्छा मैंने भी आपको बेसिकली फर्स्ट टाइम डिस्कवर तो टीबीटी से ही किया था और बीइंग इन माय 20s तो मैं भी अभी बल्कि मैंने तो अभी बिल्कुल स्टार्ट किया है जॉब ये वो, लेकिन फाइनेंशियली मेरे ख्याल में जो यूथ है ना उसको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि उसने कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है और उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। लाइक चले जो हमारे पास जो राइट नाउ ऑप्शंस हम PSX को ही देख लेते हैं तो उसमें भी अगर फॉर एग्जांपल अब मैं कर रहा हूँ तो मैं अब अपने किसी कोलीग्स या अपने किसी दोस्त को रेकमेंड करता हूँ तो वो लोग तो पहले से ही बहुत दूर भागना शुरू कर देते हैं, तो हाउ कैन वी क्रिएट अवेयरनेस अमंग देम। देखें वो जो दूर भाग रहे हैं वो बेसिकली इसलिए भाग रहे हैं कि न्यूज़ के ऊपर हर वक्त यही चल रहा होता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा डाला और डूब गया। यही वो लोग हैं जो आपके दोस्त हैं जब वो लिखा हुआ आ रहा होगा ना स्टॉक मार्केट बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ती जा रही है रोज बढ़ रही है, तो यही आपको उनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। ये जो न्यूज़ मीडिया है जो भी है ये कन्विंस कर देता है, इमोशंस को हाई होते हैं उस टाइम जब आपकी मार्केट परफॉर्म करना शुरू करती है। अभी इंडेक्स आपका 39,000-40,000 के करीब घूम रहा है, यही अगर 72,000 हो जाता है 3 महीनों में आप देखें वही आपके दोस्त आएंगे कहेंगे यार यहाँ पे तो लोग पैसे बना रहे हैं तो हम भी जाके इन्वेस्ट करते हैं, तो जिस दिन वो आके इन्वेस्ट करेंगे उसी दिन अकाउंट वहीं से नीचे आना शुरू हो जाएगा उनका और मार्केट भी नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस के लिए यही है। आप किसी को पकड़ के जबरदस्ती नहीं कोई चीज सिखा सकते जब तक उसका खुद का माइंड उस चीज के लिए नहीं मानता। मेरा ये मानना है किसी को भी कन्विंस करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। आप अगर खुद पैसे बना रहे खामोशी से पैसे बनाए तो समझना चाहता है पढ़ना चाहता है सीखना चाहता है वो जरूर करे। जिसका इंटरेस्ट नहीं है उसको नहीं बताए उनके लिए वही है प्रॉपर्टी में फाइल्स ले लें हवा में जो प्लॉट्स बने हुए उनके उनपे काम कर लें गाड़ियों में कर लें बस उनके लिए फिर वही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से पिछले 2-2.5 साल से कोविड के बाद बहुत लोग डेस्परेट हैं ये फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए कि यार ये क्या चीज है सीखना चाहते हैं, तो मुझे तो काफी चेंज नजर आ रहा है इन चीजों में और स्पेशली जब से क्रिप्टो आई है 5-6 साल से जो पाकिस्तान मार्केट पाकिस्तान में ज्यादा वायरल हुई है तो लोग काफी इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए हैं। मेरे ख्याल में अगले 10-12 साल में लोगों को समझ आ जाएगी और हम लोग भी पीछे नहीं रहेंगे इन फाइनेंशियल मार्केट्स में। अवेयरनेस के हवाले से काफी हद तक लोगों को पता चल जाएगा कि यार कैसे इन्वेस्टमेंट्स करनी है कहाँ करनी है कौन से मार्केट्स लीगल हैं काम करना है नहीं करना, तो पता चल जाएगा टाइम के साथ साथ इन लोगों को। हाफिज फयाज साहब प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे फराज भाई खिजर भाई लेक भाई कैसे आप ठीक ठाक? वालेकुम सलाम अल्लाह का शुक्र। जी हाफिज साहब। सर सबसे पहले तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया खिजर भाई का आपका। मुझे याद है 1 जनवरी को हमारा लाइव सेशन था लास्ट जब सेकंड बैच का था हमारा और आज ये ऑलमोस्ट 7 मंथ्स कंप्लीट हो गए, तो मैं यही असल में दोस्तों को भी यही एक मैसेज देना चाह रहा था कि मैंने इंजीनियरिंग पास आउट किया 2007 में नाउ 15 ईयर्स पास। तो क्या होता है कि जब बंदा शुरू करता है तो फिर नेचुरली जो है ना वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। जैसे अभी हमने कोविड का भी देखा था कि कोविड भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी, तो अभी ये बिगनिंग है हमारी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें कोर्स से जो फ़ायदा हुआ वो टेक्निकल कोर्स से हमें यही फ़ायदा हुआ कि हमें पता चला कि मार्केट में एंट्री किस तरीके से लेनी है और एग्जिट किस तरीके से होना है। जैसे मैं अभी PSX में भी ट्रेडिंग कर रहा था लेकिन आजकल नहीं कर रहा क्योंकि मार्केट का हाल थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा, तो सऊदी अरब में ये जो तदावुल इनकी मार्केट है स्टॉक मार्केट वहाँ पे और क्रिप्टो के अंदर जो है ना ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो जैसे अभी पिछले दिनों नैसडेक S&P डाउ जोन्स सब ने जो मार्केट करेक्शन दी है 20-25%,
तो वहां पे मैं भी एक जो है ना वो एक स्टॉक के अंदर स्टक हो गया, ठीक है। और लेकिन उसमें ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह वो टेक्निकल एनालिसिस जो भी आपसे किए थे उससे ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ कि पता चला कि लोअर हाई के ऊपर एग्जिट करके ब्रेक इवन पे अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी निकल गया। और जो है ये फायदा हो गया वहां पे, ये फायदा हो गया वहां पे भी कि जो है ना हाफिज भाई आपके बेटी कह रही है क्वेश्चन करें। अच्छा नहीं शायद किसी और का स्पीकर ऑन है, सईद अहमद साहब का शायद स्पीकर ऑन है, माइक ऑन है। सईद अहमद भाई का अच्छा जी, मैंने किया म्यूट, प्लीज गो अहेड चले। अल्हम्दुलिल्लाह फराज भाई बड़ा अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे जो है ना वो ब्रेक इवन पे भी निकल गया। फराज भाई दो क्वेश्चन है मेरे, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह सरमाया के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद हमें फायदा ये हुआ कि स्टॉक मार्केट लाइक माइंडेड लोग थे, हम लोग एक तरीके से जुड़ गए, एक कम्युनिटी बढ़ गई बन गई। अमाल भाई है, आप हैं, लईक भाई है, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अब मिसाल के तौर पे क्रिप्टो के अंदर जैसे इथेरियम मैंने बॉटम पे पकड़ लिया, ठीक है, तकरीबन 910-920 के राउंड में लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट बुक किया वहां पे, 1600 समथिंग पे 2025 पे मैं एग्जिट हो गया था वहां पे प्रॉफिट बुक करके। लेकिन बाद में अफसोस हुआ कि फेयर इतना ज्यादा इंक्रीज हो सकता, फेयर फैक्टर इतना हाई था कि वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की मैंने, ठीक है। बाद में थोड़ा सा मुझे वो हुआ, दुख भी हुआ। और सेकंड ये चीज कि जब ट्रेडिंग हम लोग कर रहे होते हैं तो अगर मिसाल के तौर पे एक या दो स्टॉक के अंदर अगर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो उसके चार्ट्स भी इवन अब हमारे जहन में क्लियर होते हैं कि डेली कैंडल भी जिस वक्त बन रही होती है ओपन क्लोज लो हाई से वो कैंडल ही बन जाती है हमारे जहन में। इवन मैं अपनी इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा हूँ फिर भी वो थोड़ा सा 5-10 मिनट के बाद ही पता चल जाते हैं चीजें। तो लेकिन अगर वहां पे स्टॉप लॉस आपके 2-3 स्टॉप लॉस हिट हो और फिर उसके बाद आप वही अगर पैसा दूसरी जगह पे लगा देते हैं तो फिर बाद में प्रॉब्लम में आ जाते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूस स्टॉप लॉस भी हिट हो रहे हो आपके और फिर भी आप अगर वो कैश पे रहें और उसी को दोबारा वो फेक आउट के बाद अगर दोबारा जब सही जगह से उसका ब्रेकआउट लगे तो अगर कैश पे रहेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है कि आप जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो 3-4 स्टॉक ही आप उसके ऊपर फोकस करते हैं या 1-2 करते हैं या मिनिमम और मैक्सिमम क्या रेंज होती है वो मुझे जरा बता दें, थोड़ा उसमें आपकी गाइडलाइन चाहिए और स्पेशली आपका तरीकेकार चाहिए कि आप किस तरीके के ऊपर जो है ना वो ट्रेडिंग करते हैं फोकस। थैंक यू जी हाफिज साहब। फराज भाई पहले आपके बोलने से पहले आई होप आपको क्वेश्चन याद रहेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुख्तसर रखें और जब आपको माइक मिलता है ना प्लीज उसको म्यूट कर लें और मैं आपका नाम लूंगा। और मैं बहुत सारे स्पीकर देख रहा हूं लेकिन हैंड किसी ने भी रेज नहीं किया हुआ, सिर्फ साद नईम साहब का हाथ ऊपर है, नेक्स्ट ये हैं, उनके अलावा प्लीज बाकी भी हाथ वहां से हैंड रेज कर लें। हफीज साहब का भी है लेकिन वो गायब हो जाता है थोड़ी देर बाद। तो फराज भाई जी हाफिज साहब ने तो लंबा सवाल कर दिया, मुझे तो भूल गया। नहीं वो बड़ा सिंपल सा सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि मैं ज्यादा पेयर्स या ज्यादा स्क्रिप्ट्स को देखता रहूं उनमें ट्रेड करूं अगर स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं तो मेरे 3-4 वॉच लिस्ट में। मेरे ख्याल में आप अपनी वॉच लिस्ट बना लें, उन्हीं के ऊपर ट्रेड करें और उसी पे आपके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। मैं तो सिर्फ मुश्किल से मेरे फॉरेक्स के ऊपर पाउंड USD ट्रेड करता हूँ सिर्फ इसको, उसके अलावा मैं देखता ही नहीं हूँ किसी और पेयर को। तो मेरा फेवरेट पेयर वही है, उसी को पैड बनाया हुआ है, उसी के साथ काम कर रहा होता हूँ। सेम इज द केस विद NASDAQ जो मेरे इंडेसेस है, मैं किसी स्टॉक को नहीं उठा रहा वहां पे, अमेजोन टेस्ला वगैरह को, मैं सिर्फ NASDAQ को ट्रेड कर रहा हूँ इंडेसेस के ऊपर। फिर अगर आप उस पर आ जाते हैं क्रिप्टो में तो मेजर्स हैं BTC इथेरियम, बस इनके ऊपर ट्रेड कर ली। तो ऑल्ट्स पे आपको 10,000 कॉइन्स मिल जाएंगे, उनको मैं नहीं देखता, नहीं ट्रेड करता। PSX पे अगर आप आए तो मुश्किल से 8 या 10 स्टॉक्स हैं जो पेट हैं, जिनको पता है कि मतलब हर एक सेक्टर से ले लिया, सीमेंट का कुछ उठा लिया या स्टील का पता है कि इसके में काम करना है या केमिकल सेक्टर में इस पे काम करना है। तो मेरे तो ये स्ट्रैटेजी होती है और सिंपल होती है, जितना आप सिंपल रखेंगे आसान रखेंगे
उतने ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे. जितना ज्यादा आप जंप करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह निकले, उधर से गए तीसरी जगह गए, तो वो फिर कहीं ना कहीं आपको जो है ना वो मेंटली बड़ा डिस्टर्ब करता है कि यार मैं उसमें उस ट्रेड में पहले था, वो अब बढ़ गया है और ये जो मैंने अब लिया है ये नहीं बढ़ रहा, तो काश मैं उसी में रहता. तो मेरे ख्याल में जिसको आप ट्रेड करते हैं पैट बना लें, उसी पे ट्रेड करते रहें, क्योंकि कैंडल्स जो पैटर्न्स बना रही होती हैं वो उसी तरह की बन रही होती हैं, शक्लें बन रही होती हैं. तो आप बेसिकली आप स्टॉक को या स्क्रिप्ट को नहीं ट्रेड कर रहे, आप उस चार्ट को ट्रेड कर रहे हैं. जितना सिंपल रखेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपके आ जाएंगे. जी थैंक यू फराज भाई. साद नईम साहब की तरफ चलते हैं. उससे पहले सईद साहब, आपका आपको मैंने रिमूव किया था क्योंकि बार बार वो माइक आप ऑन कर रहे थे और बच्चों का बहुत नॉइज था, तो आप दोबारा रिक्वेस्ट कर लें और प्लीज माइक को जरा म्यूट रखें. जब मैं आपका नाम कॉल करूंगा फिर अनम्यूट कर लें. साद साहब प्लीज गो अहेड. जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. थैंक यू फराज भाई सबसे पहले तो इतने इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए. मैंने भी आपकी ट्रेनिंग के लिए प्री रजिस्टर किया हुआ है, आई एम ईगरली वेटिंग. सो मेरा जो क्वेश्चन है बहुत बेसिक सा है, इट्स नॉट रिलेटेड टू सम टेक्निकल. मैं जानना चाहता हूँ, आपने बताया कि नॉलेज इटसेल्फ या टेक्निकल एनालिस्ट बहुत रेयर हैं पूरी दुनिया में. सो इज़ इट बिकॉज के ये नॉलेज रेयर है, इसको एक्वायर करना इस नॉलेज को, या फिर इज़ इट लाइक रियली टेक्निकल और इसको समझना और प्रैक्टिस करना मुश्किल है? तो ये मेरा एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था. नहीं, टेक्निकल एनालिस्ट तो सब बन जाते हैं, बन सकते हैं, आराम से बन सकते हैं. सबसे बड़ा मसला आता है उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर और आप ट्रेडर कैसे बनते हैं. अब मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब बेहतरीन एनालिस्ट तो बेहतरीन है, लेकिन जब वो एग्जीक्यूशन पे आएंगे ना, जैसे अभी हाफिज साहब कह रहे हैं, वो थोड़े से शेकी हो जाते हैं कि यार ये मेरे चार स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, अब मैंने क्या करना है. तो जो मेंटली आप कितने टफ हैं, कितने स्ट्रांग हैं, नर्व्स पे कितना कंट्रोल है, तीन स्टॉप लॉसेस हिट होने के बाद आप में इतनी कमर में जान है कि आप खड़े होके दोबारा चौथी ट्रेड के लिए जाएंगे, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है. और इस तरह के लोग जो होते हैं ना, इस कैरेक्टर के, स्ट्रांग माइंडसेट के, ये बहुत रेयर मिलते हैं कि तीन फेलियर्स के बाद आप चले गए, अपने आप को उठाया, बैकअप किया और चौथी ट्रेड के लिए. दो, आपको पता है कि मेरा इतना स्टॉप लॉस है, पिछली तीन ट्रेड्स में ज्यादा का लॉस नहीं हुआ मुझे, पाकिस्तानी 90,000 रुपए का हुआ है तीन ट्रेड्स पे, हर ट्रेड पे मैंने 30,000 का लॉस लिया, लेकिन जो मेरी चौथी ट्रेड है वो क्या मुझे 2,00,000 रुपए का रिटर्न देगी? अगर तो देगी तो फिर आप 1,10,000 के नेट प्रॉफिट में आ जाते हैं. तो ये चीज है सारी, और ये सारी आपकी माइंड का गेम है. और जितने ज्यादा आप कूल, रिलैक्स और काम होके इन ट्रेड्स को पिक करेंगे, उतने बेहतरीन आप कामयाब ट्रेडर बन जाएंगे. तो लोगों में गलती ही यही होती है, इमोशंस में आ जाते हैं. टेक्निकल्स सीखने के बाद भी टेक्निकल्स आपको चार्ट्स पे बता रहे हैं कि यार ये यहाँ से बढ़ जाएगा, लेकिन वो ही बात है जो मैंने शुरू में की कि यार हाँ पता भी है कि नीचे जाएगा लेकिन लॉस नहीं बुक करना. तो ये जो सारी मेंटल गेम है, आप कितने स्ट्रांग है उसके ऊपर आपके रिजल्ट हैं. फराज भाई उनका क्या करना है जो सीखते ही रहते हैं? मतलब अगर कुछ सीखा है उसको अप्लाई करने की बजाय आप सीखते ही जाते हैं, तो अग्गा दौड़ पीछा चौड़ पंजाबी वाला जो उनका क्या करें? देखिए, इसीलिए तो मेरी ट्रेनिंग में ये नहीं है कि आप लेक्चर्स लें और बस सुने, उसको एंजॉय करें और देखें हाँ ऐसे टेक्निकल्स होते हैं या ऐसे होते हैं. मैं तो उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देता हूँ. मैं उनको कहता हूँ जो आपने चार्ट बनाया है इसकी मुझे ट्रेड दिखानी है आपने लाइव सेशन में आके. तो 12 से 14 हफ्ते जब वो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, वो काफी हद तक ट्रेन हो जाते हैं. और उसके बाद वो जब मार्केट में जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है. जैसे मैं पहले कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने चार हफ्तों में जाके आप एक्सपर्ट हो गए या आप 14 हफ्तों में एक्सपर्ट हो गए और उसके बाद आप प्रॉफिटेबल हो गए. कुछ लोग होते हैं जो वाकई में ट्रेनिंग के बाद ही फौरन से ही पैसे बनाने लग जाते हैं, कुछ होते हैं जिनको टाइम लगता है. तो अगर वो सीखते जा रहे हैं अपने आप को, कहीं ना कहीं उनको प्रैक्टिस ये नहीं करनी कि मैंने सिर्फ चार्ट्स बनाने हैं उसको पोस्ट करना है. उस पर भी पैसे मिलते हैं, उस पर भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे आपको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन जो बड़े और मोटे पैसे बनाने हैं वो सिर्फ ट्रेडिंग से ही आएंगे आपके पास. जो आप चार्ट बना रहे हैं उसको एग्जीक्यूट भी करें. मसला ये होता है कि चार्ट बन जाते हैं, अब यहाँ पे पाकिस्तान में या बाहर भी ये जितने यूट्यूब पे आते हैं टेक्निकल एनालिस्ट, आपको क्या लगता है बेहतरीन ट्रेडर्स हैं? नहीं, इनमें से 80% तो फेलियर्स होते हैं. वो अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट तो हैं लेकिन वो ट्रेड ही नहीं कर सकते. आप उनको बोलेंगे यार ट्रेड करके दिखाओ जरा, उनके हाथ पांव फूल जाएंगे, कांपना शुरू हो जाएंगी, कांपे टांग जाएंगे, आसान लफ्जों में. तो
ये होता है वो, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं और एग्जीक्यूट नहीं कर रहे तो फिर उस प्रैक्टिस का इतना फायदा नहीं है. एग्जीक्यूट करना बहुत इम्पोर्टेंट है. डेमो अकाउंट्स होते हैं उसके ऊपर करें, प्रैक्टिस करते रहें. जी तोकीर भाई प्लीज गो अहेड एंड देन हफीज साहब. जी फराज भाई, आपने ये अभी वेबसाइट कोई मेंशन की थी जिस पे मुबीन ने जाके वो बोट बनाया था, तो वो थोड़ा बता दें. और इसमें अगर मैंने बनाना चाह रहा हूँ, खुद से बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई स्ट्रेटजी है भी, उसके अंदर मुझे कितनी एडिटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, अगर किसी फ्रीलांसर मिल जाता मुझे कोई, तो उसको मुझे बार बार के पास जाना पड़ेगा. तो एक तो वो वेबसाइट का बता दें, और दूसरा अगर मैं खुद से बनाना चाह रहा हूँ, अगर जॉब भी साथ में कर रहा हूँ, टाइम भी जो है वो लिमिटेड है, तो बेस्ट सोल्यूशन क्या जो है आप बता सकते हैं? देखिए वो जो बॉट वाली वेबसाइट है, मेरे ख्याल में आप कांटेक्ट में होंगे मुनीत से, अगर नहीं है स्टिल आप उसको टैग कर दें और रिप्लाई कर देगा. उस वेबसाइट का एग्जैक्ट एड्रेस मुझे भी नहीं पता उसका, क्या वेबसाइट का लिंक. सेकेंडली जो आप अगर फ्रीलांसर कोई प्रोग्रामर ढूंढ रहे हैं, तो जब तक आपकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती, जो आपने उससे मांगा हुआ उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आप उसको पे नहीं करेंगे. सही, सिंपल है ये. किसी भी जब आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जब तक वो कंप्लीट नहीं करता आप उसको पे नहीं करते. तीसरी चीज जो आप पूछ रहे हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो बेहतरीन तरीका उस पर है डेली टाइम फ्रेम्स के ऊपर काम करें. हफ्ते में या दो हफ्ते में आपको एक ट्रेड मिलेगी, लेकिन वो ट्रेड ऐसी होगी कि वो आपके दो महीने तक चलेगी, और दो महीने तक आप अगर तो उस ट्रेंड पे चढ़ गए, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, तो वो आपको हो सकता है अगले 3 से 4 महीने के पैसे दे दें. अभी रिसेंट एग्जांपल इथेरियम की, अभी हमने अलमनाय में वो चार्ट पोस्ट किया था कि जहां पे ए बी इक्वल्स टू सी डी का बॉटम डिफाइन हो रहा था, वो बॉटम था इथेरियम का, वो डेली चार्ट्स पे था. अगर आप वो लॉन्ग करते वहां से, सो इजीली आप पैसे बना सकते थे, और अच्छे वो ट्रेड अभी तक चल रही होती है आपकी, और आपको बार बार देखना ना होता, बस स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते रहते. तो सबसे बेहतरीन टाइम फ्रेम आपके लिए डेली है, और उसके ऊपर आप कर सकते हैं काम. फराज भाई, ये जो क्वेश्चन था कि जॉब के साथ वो बोर्ड के लिहाज से था, अगर मैं खुद से बोर्ड बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आप मुझे क्या रिकमेंड कर सकते हैं कि अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो कहाँ से वो मैं नॉलेज वगैरह लूँ, और कोई ऐसी वेबसाइट हो या कुछ भी, यानी आप वो जो वो जो बोर्ड है ना, आप उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू ना कर लें, आप ग्राफिकल के थ्रू कर लें, जी यू आई के थ्रू. तो वो वेबसाइट आपको मुनीब बता देगा, और आप उससे कांटेक्ट करें, वो आपको लिंक दे देगा. वो मेरे ख्याल में पेड है, और इतनी नहीं है, $25-$30 पर मंथ, और उसके ऊपर आपको जितना एक्सपेरिमेंट करना है करते रहें, तो वो आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं. जो आपके साथ 1-2 घंटे के अंदर भी दिन में देंगे तो 4 से 5 दिन में बन जाएगा. हफीज भाई प्लीज गो अहेड. जी अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, मुझे आपसे क्वेश्चन तो बहुत सारे करने हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करता हूँ कि जो सरमाया पे एक लगा हुआ है कि आप 10 साल पहले अगर आपने फलां कंपनी के शेयर लिए हुए, तो आज 10 साल बाद वो 1 करोड़ या जो भी उसके अमाउंट बताते हैं वो हो जाता. बट टेक्निकल ये कहते हैं, जैसे आप फरमा रहे हैं कि वो एक वक्त होता है एंट्री का और एक वक्त होता है एग्जिट करने का, तो ये लॉन्ग टर्म रखना शेयर्स बेहतर है, या जो जिस तरह आप कह रहे हैं, मतलब वहाँ पर चीज़ मिस होती है, दिस इज मिसिंग लिंक जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कि लॉन्ग टर्म रखें लेकिन एंट्री एग्जिट करते रहें साथ साथ, क्या इसमें एक ही शेयर में रहें, मल्टीपल शेयर्स में जाएं? देखें, अगर तो आप फंडामेंटली इतने स्ट्रांग हैं और आपका विजन इतना सॉलिड है कि आपको पता है कि 10 साल के बाद ये कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, फिर तो आप उस शेयर्स को लें और बैठ जाएं, उसका पे आउट्स लेते हैं डिविडेंड की शक्ल में. और इस तरीके से जो मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल्स के ऊपर, अगर आपने टेक्निकल सीखे तो उसका फायदा भी तो लेंगे ना. ऐसे थोड़ी कि आपने इन्वेस्ट करके बैठ गए और बंद कर दिया, चार्ट्स कभी देखे ही नहीं है. जहां पे आपको लग रहा है कि ये यहाँ से फॉर द टाइम बीइंग लेट्स से 300 पे नेट सॉल था, ये रेजिस्टेंस है और ये यहाँ से नीचे आएगा और मुझे हो सकता है कुछ दिनों के बाद ये 260 पे का मिल जाएगा, तो क्यों नहीं आप वो 40 रुपीज का गेन लेते, डिस्काउंट प्राइस लेते. तो ये है, दोनों स्ट्रैटेजीज एक लेमैन के लिए, लेमैन भी नहीं कहूंगा, एक उनके लिए जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, जिनका विजन इतना स्ट्रांग है कि उनको पता है कि 10 साल के बाद इस कंपनी ने कहाँ स्टैंड करना है. सही, लेट्स से कोई सीमेंट कंपनी है, उसकी एक्सपेंशन होती चली जा रही है, इतनी एक्सपेंशन है कि उसकी यूटिलाइजेशन जो है 100% है कैपेसिटी उसके प्लांट की, और वो एक्सपेंशन पे एक्सपेंशन किए जा रहे हैं. तो आज उसका रेवेन्यू अगर 1 रुपया है और उसकी एक्सपेंशन 4 टाइम्स हो गई, तो कल को उसका रुपया जो अर्निंग्स है वो 5 रुपए की हो जाएगी. आपको पता है एक्सपेंशन 3 साल में हो जाएगी, 4 साल में हो जाएगी. जब आपको ये पता है
ये कंपनी ग्रो कर रही है, इसकी ग्रोथ है, तो आप उस पर इन्वेस्ट करके बैठ जाएं। और अगर आप उसको ट्रेड भी करना चाहते हैं एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, जो आपने जब स्किल्स सीखी हैं, तो आप वहां पे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स भी ले सकते हैं कि ये इसका टॉप है फॉर द टाइम बिंग, दो तीन महीने बाद ये नीचे आएगा, मैं फिर ट्रेड ले लूंगा। तो दोनों स्ट्रेटेजीज काम करती हैं, दोनों से ही पैसे बनते हैं। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने 8-9 रुपए पे पार्क इलेक्ट्रॉन का शेयर लिया था, 120 हो गया, उधर भी उन्होंने प्रॉफिट नहीं किया। और वो कुछ छोटी अमाउंट नहीं थी कि 1,000-2,000 शेयर्स, वो मिलियंस के हिसाब से उनके पास क्वांटिटी थी, तो वो आज तक पड़ी हुई है दोबारा 15 रुपए। तो अगर तो आप इस इंतजार में रहे कि वो पहल जो है वो 250 रुपए का हो जाता, तो उससे 120 का हाई लगा के वो दोबारा 15-16 रुपए पे आज ट्रेड कर रहा है, 4 साल हो गए इस बात को। तो अब मुझे बताएं उन कहां स्टैंड करते हैं वो। तो टेक्निकल्स अगर आपने 120 का टॉप पकड़ लिया था या जो भी उसका हाई था, वहां पे आप एग्जिट कर जाते और दोबारा स्पेल को 60 रुपीज पे भी ले लेते, तो आप आधे से ज्यादा पैसे बचा सकते थे अपने। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन ये कि पाकिस्तान स्टॉक चेन टेक्निकल के हवाले से 41,600 से अबव जाएगी तो फिर उसमें लॉन्ग पोजीशन सही बनती है, अगर टेक्निकल देख रहे हैं सारे अभी वो जा रही है डाउन ट्रेंड में जा रही है या फिर साइडवेज पाथ पर चलती है, तो अभी जो टेक्निकली तो उसमें एंट्री नहीं बनती है। दूसरा इसका जो आपने बात की कि कायदन से मोहब्बत वाली बात है हमारी, तो कोई भी बॉट नहीं बन सकता इसके ऊपर, इसके गैम्बलिंग वही प्लेयर्स हैं, वही गैम्बल कर रहे हैं, इज दैट ऑल ट्रू कि इसमें तो डूबता ही है, चीजें डाउन ही जाती हैं? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, चीजें ऊपर भी जाती हैं। ये अभी कोविड के टाइम्स में जब सब लोग बेयरिश थे तो कैसी मार्केट आपकी बढ़ी है, 27,000 से 47,000 हो गई, 20,000 पॉइंट्स, आसान काम तो नहीं है सवा साल के अंदर बनाना। तो जिन्होंने उस टाइम एंट्री ली और एग्जिट किया सही टाइम पे, उन्होंने पैसा बनाया है। बिल्कुल आप कह रहे हैं अभी बेयरिश ट्रेंड में, एग्री करता हूँ, बिल्कुल बेयरिश ट्रेंड है या साइडवेज है। सो कब तक चलेगा बेयरिश ट्रेंड? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी उम्र जिंदगी भर आपका ये बेयरिश ट्रेंड ही चलता रहे, बुलिश ट्रेंड भी आएगा, तो इंतजार करें उसके लिए, जब ब्रेकआउट लगे जैसे बेयरिश से बुलिश हो एंट्री लें, तो फिर राइड करें उसको, पैसे बनेंगे उसमें। तो बिल्कुल आपकी मार्केट से प्लस भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, बुलिश ट्रेंड भी चलते हैं। हाँ, वो और बात है कि थोड़े कम टाइम के लिए होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। हफीज भाई, ये नेक्स्ट सैटरडे या दिन आगे पीछे हो सकता है, शाहिद हबीब साहब होंगे हमारे गेस्ट सीईओ ऑफ आरफ हबीब, सो उनसे पूछेंगे गैम्बलिंग और बिग फिश और इस तरह के जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, उनसे पूछेंगे अगले हफ्ते। कि जी सर कह रहे हैं, फराज साहब कह रहे हैं कि वो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वो पुराने जमाने में रह रही है और वही चंद लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, वही ऊपर मतलब यहां पे ये अगले हफ्ते पूछेंगे। अच्छा, ये दुनिया की, मैं इस पे एक दो कमेंट कर देता हूँ, दुनिया की जितनी मार्केट्स है ना वो ऐसे ही चलती हैं, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो मार्केट चलाते हैं, चाहे वो बड़ी मार्केट हो या छोटी मार्केट हो। तो ये कहना कि सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट ही ऐसे चलती है तो ये गलत है। देखिए, चलाने वाले भी तो वही होते हैं ना, जब बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है तो अगर वो बड़ी मछलियां नहीं होंगी तो बुलिश ट्रेंड बनेगा कैसे, आप और मैं तो नहीं चला सकते उसको। तो अब आपने ये देखना है कि वो बुलिश ट्रेंड बनाएंगे कब, तो जब ब्रेकआउट हो तो उस टाइम पे आप बाय करें और उसके साथ राइड करें। तो ये दुनिया में जितनी मार्केट है वो सब इसी तरीके से प्ले होती है, सिर्फ पाकिस्तान की कोई यूनिक मार्केट नहीं है कि आप कहें सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है, सब जगह ऐसा ही होता है। अच्छा, मेरा तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है आपसे, मैंने ट्रेडिंग की थी सेकंड बैच में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो प्रॉफिटेबल हूँ। मैं तो सुनता हूँ कि लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ नुकसान हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो 3 मंथ्स का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आपकी ट्रेडिंग क्लासेज लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 300% प्रॉफिट बुक किया अपने छोटे से अकाउंट से। और अब तो मैं पर्सनल अकाउंट पे नहीं ट्रेडिंग करता, अब तो मैं फंडेड अकाउंट्स के ऊपर चैलेंज देता हूँ, वो मुझे ज़्यादा यानी कि बेहतरीन लगता है। खिज़र भी काफ़ी नाराज़ रहते हैं मेरे से कि PSX से मैं ट्रेडिंग नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी साइकी जो है वो फॉरेक्स रिलेटेड ज़्यादा है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन सर ये है थोड़ा सा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ या मैं कोई ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, अपने एनालिसिस करता हूँ, और मुझे नज़र आता है कि इस पॉइंट पे जो है रिवर्सल होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। फॉर एग्जांपल गोल्ड था 1680 पे, वो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से वो 1.5 ईयर्स से वो 1680 को ब्रेक नहीं किया था, और मैंने वहीं से उसको कैच किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1680 से 1735 तक राइड किया गोल्ड को। लेकिन मुझे क्वेश्चन ये सर, ये जो हमें जो हमारे अंदर जो एक साइकोलॉजी में है कि हम जो है ना कामनेस नहीं, हम चाहते हैं बस फ़ौरन से प्रॉफिट बुक कर लें,
मुझे समझ नहीं आती कि इस चीज़ को बंदा किस तरह कैटर करे, क्योंकि आप जो कहते हैं ना कि दो महीने तीन महीने तक बंदा राइड कर सकता है, इवन आप स्टॉप लॉस रखें या अपना स्टॉप लॉस कैरी ऑन करें, लेकिन साइकोलॉजी में बंदे की यार 17-35 तक आ गए, इतना प्रॉफिट इतने डॉलर्स बन गए, बस बुक कराओ फ़ौरन। और जब वही चीज़ 17-35 से 17-65 पे जाती है तो एक तरह का शौक लग जाता है बंदे को, फिर वो बंदा ट्रेडिंग देखता रहता है कि ग्राफ और कितना ऊपर जा रहा है। तो इस चीज़ को कैसे कैटर करें, क्योंकि मैं राइड नहीं कर सकता किसी भी अपनी प्रॉफिट को, मैं हमेशा से एक स्पेसिफिक टाइम पे आके बस मेरे दिमाग कहते हैं बस निकलो यहाँ से, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं एग्जिट करूँ वो चीज़ वापस नीचे आए, हमेशा वो राइड ही करती है कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, इसका मैं फौरन प्रॉफिट बुक करता हूँ। तो इस चीज़ को कैसे बना, सबर शुक्र करना सीखे यार वकास, आप माशाल्लाह इतना पैसा बना रहे हैं और इतने अच्छे ट्रेडर हैं, और मैं इंशाल्लाह आपको ऑन बोर्ड करने वाला हूँ, तो अगर आपने जल्दी एग्जिट ले भी लिया तो आपके मंथली टारगेट्स पूरे हो गए हैं। और मैं हमेशा टारगेट्स की बात करता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड की बात करता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप पूरे पूरे ट्रेंड्स को राइड करें। अगर आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं वो बेसिकली आप लेवरेज को ही ट्रेड कर रहे होते हैं, तो लेवरेज पर इतनी लंबी ट्रेड्स लेना भी कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि कभी भी कोई स्पाइक आती है, जैक आता है, तो उस पर आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं। तो जैसे ही आपने अपना जो रिवॉर्ड आपने रखा हुआ है वो हिट हो जाता है आपका, तो मेरे ख्याल में आपको एग्जिट करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सेकेंडली जो आप कह रहे हैं कि वो वहां से 1770 हो गया गोल्ड की, आप अगर बात कर रहे हैं 1760 हो गया, तो आप उसमें एक नई फ्रेश एंट्री लेके ट्रेड कर लें। देखें आप ये मत सोचें आप अगेन हायर लो के नीचे स्टॉप लॉस रखें और फिर से एक ट्रेड ले लें, तो आपकी एक नई ट्रेड हो जाएगी। स्टॉप लॉस आपका डिफाइन है कि आपने 2% का रिस्क लिया और 2% का आप एटलीस्ट रिवॉर्ड लेते हैं, तो उसके बाद आप उसको एक्सटेंड करते रहते हैं अपने रिवॉर्ड को। तो इस तरीके से आप वो कर सकते हैं। सेकेंडली जरूरी नहीं है कि आप हर ट्रेड हर ट्रेंड को इतना राइड करें कि आप ही बॉटम पकड़े उसका, आप ही उसके टॉप पे सेल करें। तो आप अगर ट्रेंड के बीच में से निकल रहे हैं और आपके जो टारगेट्स हैं वो हिट हो गए, तो मोर देन इनफ उस पे सबर शुक्र करना चाहिए। जबरदस्त काम कर रहे हैं आप वैसे, और मेरे ख्याल में आने वाले टाइम पे आप एक बहुत बड़ा नाम बन जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये सैयद साहब, शोदा सैयद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। जी जी जी, मेरा क्वेश्चन ये है, मेजॉरिटी लोगों ने तो पूछ लिया है, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और अगर हम दुनिया भर की फाइनेंशियल मार्केट पे एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसका कौन सा तरीका, जैसे आपने नैसडेक की जिक्र की या S&P 500, इस तरह की और दुनिया भर में डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, तो पाकिस्तान में बैठे हुए क्या पॉसिबल है हम उनको एक्सेस कर सकें? जी बिल्कुल पॉसिबल है। PMEX में आप अकाउंट ओपन कर लें, आपको ये इंडेक्सेस मिल जाते हैं ट्रेड करने को, और इसी तरीके से आप जो फॉरेक्स की मार्केट है या कमोडिटी की मार्केट है, बहुत ऑप्शंस हैं। PMEX लीगल है पाकिस्तान में, आप किसी भी ब्रोकर के पास जाएं, किसी अच्छे आरिफ हबीब के पास या AKD के पास या GS के पास, ये सारे अच्छे ब्रोकर्स हैं, आप इनके पास अकाउंट ओपन करें, PMEX में ट्रेड कर सकते हैं आप लीगली पाकिस्तान में। जी नेक्स्ट दानियल। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? सलाम जी। जी फराज साहब, अस्सलाम वालेकुम अमार भाई को भी, लईक भाई को भी। सर सवाल मेरा ये था कि क्रिप्टो के अंदर जो हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं आमतौर पे, उसके अंदर जी उसके अंदर ज्यादातर यही देखते हैं हम कि सारे जितने भी कॉइन्स होते हैं वो ज्यादातर बिटकॉइन को ही फॉलो कर रहे होते हैं ट्रेंड्स में, और अब कभी बिटकॉइन का डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो मेरा अपना प्रॉब्लम ये है कि मेरी प्री रिक्विजिट है कि मैं सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स ले सकता हूँ, तो जब बिटकॉइन जो है वो डाउनफॉल में जा रहा होता है, तो क्या और दूसरा ऑप्शंस होते हैं जिसमें देखा जा सकता है कि जहाँ पे लॉन्ग ट्रेड्स ली जा सकें, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए अगर आपकी BTC डोमिनेंस के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं और उसको देखते हुए आप बाकी ऑल्ट्स को ट्रेड करते हैं, ओपन करते हैं, लॉन्ग पोजिशन आप शॉर्ट नहीं करना चाहते, और अगर बेयरिश ट्रेंड चल रहा है तो आप इंतजार करें, वेट करें। समटाइम्स क्या बल्कि ज्यादातर ऐसा होता है कि आप ट्रेड में नहीं है तो फिर भी आप प्रॉफिट कर रहे हैं, वो कैसे कि आपको पता है ट्रेंड बेयरिश है, तो आपको नीचे डिस्काउंटेड उस पर मिल जाएगा। इसकी मैं लोगों को ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ कि कल आपकी सेल लगने वाली है मार्केट में, लेट्स से किसी भी ब्रांड के करीब सेल लगने वाली है, वो लिखा हुआ आ रहा है, आपको मैसेज आ जाएगा कल 25% ऑफ है, और आज आपको शॉपिंग पे जाना था, तो अब आप कल का वेट करेंगे या आज जाएंगे बाइंग करने?
परचेजिंग करने या शॉपिंग करने, आप कल का वेट करेंगे कि यार कल मुझे 25% डिस्काउंट में मिल जाएगा। अगर बीटीसी बेयरिश है और आपको लगता है बाकी ऑल्ट्स भी उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप इंतजार करें। तो ट्रेडिंग जो होती है वो 80% पेशेंस का गेम है, 20% आप ट्रिगर करते हैं, बस ये सारा काम है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मोहसिन अतीक हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट पार्टली तो ख्वाजा वकास साहब ने वो जो है ना क्वेश्चन पूछा है। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आप इथेरियम में लॉन्ग हुए थे 1000 के करीब से और स्टिल आप होल्ड कर रहे हैं। अब इस पूरे एक मंथ में जो है ना वो काफ़ी ऐसे न्यूज़फुल इवेंट्स भी थे कि जिसमें फेड की अनाउंसमेंट हुई और सबको के जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मार्केट में एक पैनिक की सिचुएशन भी थी। तो वहाँ पे आप फिर कैसे उन चीज़ों को आप होल्ड कर लेते हैं और स्टिल यू आर होल्डिंग, और अभी मुझे लगता है आपके टारगेट्स जो है ना वो शायद मजीद आगे के होंगे 1700 से भी ऊपर के, तो इस चीज को कैसे बंदा कंट्रोल करे या उसको कैसे ओवरकम करे? देखें, जितनी ज्यादा आप नॉइज डालेंगे ना उतना ज्यादा आप कंफ्यूज रहेंगे। मेरी एक आदत है कि मैं ना न्यूज देखता हूँ ना सुनता हूँ ना बाकी सबको रिकमेंड करता हूँ। जैसे आपने कहा अगर मैं न्यूज देख रहा होता, मुझे फेड इवेंट का वेट करता, बाकी चीजों का वेट करता, मेरे लिए सुनी सुनाई बातें कुछ नहीं है। न्यूज खबर है जो आप कानों से सुन रहे हैं, मैं यकीन रखता हूँ जो आप आंखों से देख रहे हैं। आंखों से आप क्या देख रहे हैं? आप चार्ट्स देख रहे हैं, आप प्राइस एक्शन देख रहे हैं, मार्केट का एक्शन, न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करना है, मार्केट का एक्शन, आपका रिएक्शन। तो जो आप चार्ट देख रहे हैं आप उस पर यकीन रखें, वही सबसे बेहतरीन दोस्त है आपका, जो सबसे अच्छी बात बता रहे हैं, जो आपको लाइव ट्रेड्स बता रहे हैं, लाइव आपको रेट्स बता रहे हैं। जो खबरें आप सुनेंगे उससे आप पैनिक करेंगे, इमोशंस आपके इनप्ले होंगे और कहीं ना कहीं आप जाके लॉस कर देंगे। तो जैसे मैं पहले कह रहा हूँ, सारा नर्व्स टेम्परामेंट इसका गेम है और न्यूज आती ही इसी वजह से है कि आप लोगों को पैनिक किया जाए। जहां पे लोग पैनिक में होते हैं वहीं पे बड़े लोग जो हैं वो पैसे बना रहे होते हैं। तो ये सारी जो है यही है, हमेशा से आप लोग जो है वो कुछ इवेंट्स होते हैं, मैं डिनाई नहीं करूंगा, ऐसे इवेंट्स आते हैं न्यूज के जो आपके स्टॉप लॉस भी हिट कराते हैं, आपके एक अच्छे बुलिश ट्रेंड का रिवर्सल बन जाता है, बेयरिश हो जाता है, ऐसे इवेंट्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। उसके लिए आप ये है कि जब आप इतने अच्छे प्रॉफिट्स में चल रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दें, आपको और मेंटली प्रिपेयर रहें कि यार इतना मेरा प्रॉफिट है जो मैं सिक्योर लॉक कर चुका हूं। तो जब आप मेंटली एक एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इतना मेरा प्रॉफिट है इतना लॉस है, तो फिर मेरे ख्याल में आपको इतना हर्ट नहीं करता, आप इमोशनली इतने डाउन नहीं होते। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी और यही मैं सब कुछ आप लोगों को ट्रेनिंग्स में बताता हूं कि चार्ट्स पे यकीन रखें। उस्मान शेख साहब, प्लीज गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फॉरेक्स है और नास्डाक है, इसको किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना ज्यादा सूटेबल रहता है, और पीएसएक्स में हम जो स्टॉक्स हैं उसको किस टाइम फ्रेम के चार्ट पे ट्रेड करें? जी, जो पीएसएक्स है वो सबसे बेहतरीन टाइम फ्रेम डेली है, डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें। उसकी रीजन है जितने बड़े फंड्स होते हैं वो बेसिकली डेली टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, तो डेली पे करना चाहिए। अगर तो आप बाहर की मार्केट्स फॉरेक्स या नैसडेक वगैरह की बात कर रहे हैं, आप फुल टाइम ट्रेडर हैं, आप 1 आवर और 15 मिनट्स, इवन 15 मिनट्स को भी कर सकते हैं, आप 1 आवर को करें, उस पर ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप इस को एज अ पार्ट टाइम लेते हैं तो अगेन डेली के ऊपर ही ट्रेड करें, फिर फॉरेक्स और क्रिप्टो भी या नैसडेक भी। तो सबसे बेहतरीन टाइम फ्रेम दुनिया में हर एसेट क्लास का वो डेली टाइम फ्रेम होता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 1 आवर के ऊपर काम कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट चैलेंजेस, मुश्किल नाम है, सस्टेनेबलिस्ट। सलाम फरहाद भाई, फरजाद बोल रहा हूं, आपके स्टूडेंट हूं इस ग्रुप में। मेरा फरहाद भाई आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने माइंडसेट की बात करी, एक अच्छे ट्रेडर में और एक बहुत अच्छे ये ट्रेडर एनालिस्ट में क्या फर्क होता है, मतलब क्या उसे क्या कॉम्पिटेंस या स्किल्स चाहिए कि अच्छे से बहुत अच्छे में बन जाए वो? मतलब पैसे तो है ही, लेकिन ऐसे इमोशन की बात आपने करी, इसके अलावा और क्या स्किल्स आदमी को डेवलप करने चाहिए इंसान को? सबसे ज्यादा देखें, एनालिस्ट तो आप सारे ही अच्छे बन चुके हैं अब तक, सही है फरजाद, आप भी अच्छे एनालिस्ट हैं। तो अगेन एग्जीक्यूशन का मसला है और माइंडसेट का मसला, यही मेरे ख्याल में एक इम्पॉर्टेंट चीज है।
यही फैक्टर है जो डिफरेंस क्रिएट करता है एक अच्छे ट्रेडर में और एक एवरेज ट्रेडर में. माइंडसेट, इमोशंस पे कंट्रोल, नर्व्स पे कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. डिसिप्लिन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टॉप लॉस ट्रिगर कराना, हिट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं. हमारे साथ इधर अभी ख्वाजा वकास थे, ये बेहतरीन ट्रेडर हैं, एनालिस्ट भी अच्छे हैं, और ये इतनी डिसिप्लिन ट्रेडिंग करते हैं. आपकी सोच है, मैं इनके रिजल्ट दिखाऊंगा इंशाल्लाह. स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस लेंगे, टीपी हिट हो रही है तो टीपी लेंगे. अपनी बीच में इन्होंने इमोशंस में आके ये नहीं करना कि यार स्टॉप लॉस हटा दिया या वो कर लिया, चलो दो घंटे बाद देखते हैं, तीन घंटे बाद देखते हैं. वो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं और ये यही डिफरेंस जो है वो क्रिएट करती है. थैंक यू. अच्छा, स्पीकर तो है मैं देख रहा हूँ, लेकिन हैंड किसी ने रेज नहीं किया हुआ. अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है या अभी वेट कर रहे हैं. प्लीज हैंड रेज करें और उसके बाद मैं नाम आपका पुकारता हूँ. जी जहांजेब साहब. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. फराजी, मैं आपका स्टूडेंट हूँ सैटरडे नाइट का, और बस मुझे यही आपसे दो बातें करनी थी. आज रात को ही मैंने एक सवाल पूछना था. एक तो आप बहुत अच्छा यहाँ पे जो ट्रेनिंग अभी तक आपने कराई है वो बहुत बहुत मुझे फायदा हुआ. मैं एक मशहूर है जमाना उस बंदे को भी फॉलो करता था, तो वो और उसने बहुत ज़मीन नुकसान. तो दूसरी चीज मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी. मुझे थोड़ा सा ये कवर कैसे करते हैं, हेजिंग कैसे करते हैं, उसके हिसाब से पूछना था कि आप किन बेसिस के ऊपर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी प्रॉफिट में हूँ, एक ट्रेंड के अंदर हूँ. मेरी आवाज आ रही है. मैं फॉर एग्जांपल मैं $5,000 के प्रॉफिट के अंदर हूँ और मुझे पता है कि ट्रेंड ने नीचे जाना ही जाना है, लेकिन बीच में कोई न्यूज इवेंट आ जाता है, कुछ ऐसा वीक आ जाता है जिसके अंदर वो मार्केट बहुत ज्यादा, जैसे अभी रिसेंटली है फेड के रेट आ गए, बहुत ज्यादा मार्केट एकदम से चढ़ गई, तो उसके लिए मुझे हेजिंग वगैरह किस तरह से करनी चाहिए और क्या उसमें प्रोसेस होता है कि मैं एक शॉर्ट अगर मैं तो मैं एक लॉन्ग पोजीशन भी ओपन कर लूं साथ में. नहीं, हेजिंग नहीं कवर करना. हाँ, नहीं नहीं कवर करने के लिए हेजिंग वाली स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है. आप सिंपल उस ट्रेड को क्लोज करें. ये हेजिंग वाली स्ट्रेटेजी कहीं स्टैंड नहीं करती, क्योंकि वहीं आपकी, जैसे ही आपने कोई ट्रेड को हेज किया, अगर एक पोजीशन लॉन्ग है आपने दूसरी शॉर्ट ओपन कर दी, तो आपकी इक्विटी तो वहीं खड़ी है ना, आपको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है. तो क्यों नहीं आप उसको सिंपल रखते हैं, जो ट्रेड आपकी चल रही है आप उसको क्लोज करना चाह रहे हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, या टीपी आपने उसकी सेट की हुई है तो टीपी सेट हिट हो रही है, तो आप उसका ही वेट करें. आप दूसरी पोजिशन ओपन करके आप अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं कि आपको जहां पे एक काम, एक डिसीजन लेना था कि ये मेरा एग्जिट पॉइंट होगा, वहां पे आप दो दफा ले रहे हैं, और फिर वो कंफ्यूजिंग होगा कि यार ये वाली मैं क्लोज करूं या वो वाली करूं, क्या करूं. तो सिंपल रखें, जितना सिंपल रखेंगे उतने अच्छा है. तो हेजिंग मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया और मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि आप उसको ट्रेड करें हेजिंग के थ्रू. थैंक यू. जी एनीवन एल्स? एक जी, अगर कोई हैंड रेज करना चाहे तो देन आई विल लेट यू टॉक. स्पीकर तो है हमारे पास. साद मसूद साहब, आपने पूछ लिया था? उस्मान गनी साहब, प्लीज गो अहेड. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी फराज भाई, मैं भी आप ही का स्टूडेंट हूँ. मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह ये साकिब अज़हर और सनी अली साहब ने जो है एक रेवोल्यूशन लेके आए ई कॉमर्स के अंदर और बहुत से इंक्यूबेशन सेंटर बनाए हैं, यूएस बनाए हैं, तो आज अमेज़न के स्फीयर के अंदर पाकिस्तानी सेलर्स और वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो लिटरली डोमिनेट कर रहे हैं. तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपके भी ऐसे कोई प्लान है कि ऐसी कम्यूनिटी डेवलप की जाए पाकिस्तानियों की या औरों की, जो कि एक ग्लोबल स्केल के ऊपर जो है पाकिस्तान को जो है वो इसी तरह से
हम लोग डोमिनेट कर सकें, जैसे इस वक्त जो है वो अमेजोन पे कर रहे हैं। जी उस्मान साहब, देखें लाइक भाई का तो विजन है कि कम्युनिटी बिल्ड करें, और मुझे भी वहां से ही फोर्स मिलती है जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि यार फायदा हो रहा है, और जिस तरीके से ट्रेनिंग्स के बाद आप लोग प्रॉफिट में आते हैं, तो मुझे भी यही लगता है कि यार बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है जो हम पाकिस्तानी मिस कर रहे हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आके इन्वेस्टमेंट्स करें, मैं ये कह रहा हूँ पहले सीखें, लोग यही कहेंगे कि ब्लाइंडली आके इन्वेस्टमेंट करें, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, और यही आप ही लोग हैं जो डिफरेंस क्रिएट करेंगे, उसमें आप ही की इनपुट चाहिए होगी, आप ही लोग हैं जो ये डिफरेंस क्रिएट करेंगे। मुझसे जितना पॉसिबल होता है मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, और ट्रेनिंग की शक्ल में या बाकी जिस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है हमारी कम्युनिटी की वजह से, तो बिल्कुल एक टाइम आएगा मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से पाकिस्तानी ये जो यूथ है, ये जो स्पेशली यंग गन्स हैं, ये बहुत ऊपर ले जाएंगे इस इंडस्ट्री को। तो मुझे तो मैं काफी होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह कुछ अच्छा होने वाला है या अच्छा हो जाएगा। एक पहली ईंट तो रख दी है, बाकी आप लोगों का काम है कि इसको कैसे तामीर करते हैं। जी जरूर, थैंक यू। अदील साहब प्लीज गो अहेड। अदील अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू खिदर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि इक्विटी मार्केट के वो इन्वेस्टर्स जो कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं फंडामेंटल बेसिस पे, और इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस की होती है, उनके लिए ऐसे इन्वेस्टर यानी जो कि एटलीस्ट लाइक क्वार्टर और टू क्वार्टर्स या प्रॉबेबली इससे भी ज्यादा सालों तक भी अपनी पोजिशन को होल्ड करते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए टेक्निकल एनालिसिस की नाउ हाउ कितनी इम्पोर्टेंट है, और अगर है तो उनको कौन सा एरिया है वो थोड़ा सा जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए आपके ख्याल में, ताकि वो थोड़ा एडिशनल हेल्प मिल जाए उनको अपने बिजनेस में। थैंक यू। जी टेक्निकल्स की बिल्कुल अहमियत होती है, जो दो वैसे तो यही सोच के देखे, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ जो रियलिटी के काफी हद तक है, करीब करीब होगा। जो भी इन्वेस्ट कर रहा है फंडामेंटल एनालिस्ट, वो यही सोच के करता है मैं 6 महीने के लिए ट्रेड करूंगा, लेकिन उसको जैसे ही 2 दिन के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट होता है वो ट्रेड को वहीं क्लोज कर देता है, और फिर वो दोबारा देखता है कि नीचे मिलेगा मैं फिर ट्रेड करूंगा, इसको बाय करूंगा, उसको नीचे मिल जाता है वो फिर से बाय करता है, फिर उसके 2 दिन के बाद एक छोटा सा उसको प्रॉफिट मिल रहा होता है वो बुक कर लेता है, और फिर तीसरी ट्रेड ऐसी होती है कि वो बाय करता है और उसके बाद कभी उसकी ट्रेड प्लस में जाती ही नहीं है, कभी उसकी ट्रेड दोबारा प्लस में जाती ही नहीं है, फिर वो अपने दिल को बहलाने के लिए तसल्ली देने के लिए ये कहता है ये मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर जो है उनके लिए मेरी डेफिनेशन यही है, वो ट्रेड जो आपकी कभी प्लस में गई नहीं वो ट्रेड आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो मेरी ये डेफिनेशन है बहुत सिंपल सी, क्योंकि जितना मैंने देखा है मेरे कोई इतने क्लाइंट्स स्टॉक मार्केट में, मेरे जितने क्लाइंट्स बाहर गोरे यहाँ वहां, तो मैंने जिनको देखा है जिसकी भी ट्रेड प्लस में नहीं, वो यही सोचते हैं कि मेरी लॉन्ग टर्म है, जब उनकी ट्रेड थोड़ी सी प्लस में जाती है उसको क्लोज कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं। तो टेक्निकल्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है इस उसमें, बिल्कुल सीखना चाहिए, काम करना चाहिए, और टेक्निकल्स का ये तरीका नहीं है कि जो 2-4 इंडिकेटर्स की बेसिस के ऊपर आपने, लैगिंग इंडिकेटर्स के ऊपर आपने काम करना शुरू कर दिया, प्रॉपर एक स्टडी है, रिसर्च है, आप उसको तरीके से सीखें फिर वो आपको वैल्यू एड जरूर करती है आपकी फंडामेंटल्स के ऊपर। जी बंदयाल साहब, जी अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, क्या हाल है खिजर भाई, लाइक भाई। फराज भाई मैं भी आपका स्टूडेंट हूँ और सारों ने काफ़ी तारीफें की हैं, मैं भी तारीफ करने के लिए आया हूँ। एक तो आपकी बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होती हैं क्लासेस और बहुत इंगेजिंग होती हैं और काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है, हम अभी डेमो अकाउंट्स पे कर रहे हैं तो उसमें भी हमें प्रॉफिट्स हो रहा है, तो हम तो वेट कर रहे हैं कि हम असली मार्केट में कब जाएंगे, आपने ही रोका हुआ हमें।
और एक सर एक सवाल भी था कि आप कराची गए थे सर मीटअप के लिए, आप लाहौर कब आ रहे हैं? जी लाहौर इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर में आएंगे। अभी हमारा एक मीटअप होगा इस्लामाबाद में जो काफी ग्रैंड होगा सरमाया के ही प्लेटफॉर्म से, तो उसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी, करीब है इस्लामाबाद, तो अगर आप आ सकते हैं तो जरूर आइएगा। बिल्कुल सर, मैंने रोका हुआ है आप लोगों को, मैं कहता हूँ कि डेमो के ऊपर ट्रेड करें, जितना आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे फिर जाएं आप रियल अकाउंट्स पे, और वो आप देखिएगा एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर मैं आपको अभी से रियल अमाउंट पे लगा दूं और एक्चुअल फंड्स पे लगा दूं तो आप लोग सीखेंगे काम और पैनिक ज्यादा करते रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और मुझे सर बता देंगे कि उसकी डेट्स या अनाउंस हो जाएंगे? जी अनाउंस हो जाएंगी, अनाउंस हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच। उस्मान शेख साहब का मैंने देखा था हाथ। हाँ जी, अच्छा मुझे बताएं कि जो हम सिर्फ सिंपल इंडिकेटर्स की बेस पे ट्रेड कर सकते हैं या हमें ड्राइंग जरूरी है जो उसके ऊपर हम करें चार्ट के ऊपर? नहीं सिर्फ देखें, बहुत आसान है, बहुत आसान सा तरीका है। मैं अगर आपसे ये कहता हूँ आप इंडिकेटर्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, इसका ये मतलब है कि इंडिकेटर्स के ऊपर तो कंप्यूटर भी ट्रेड कर सकता है, आप इजीली उसका बॉट बना सकते हैं। अगर वो इंडिकेटर इतना अच्छा है तो उसका बॉट क्यों नहीं बना हुआ और वो क्यों नहीं प्रॉफिटेबल? कॉमन सेंस, इसका ये मतलब है कि वो उस इंडिकेटर में कहीं ना कहीं मसला है जो आपको प्रॉफिट में नहीं होने आने दे रहा, तो आप इंडिकेटर्स के ऊपर बिल्कुल ट्रेड ना करें। मैं तो मजाक में अपने जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं इनको मैं कहता हूँ इंडिकेटर हराम है तो उसको यूज ना करें। ड्रॉइंग जरूरी है, ड्रॉइंग ही बेसिक आपके टेक्निकल एनालिसिस है, इंडिकेटर वाला कोई एनालिसिस नहीं होता। जी जी दानियाल शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, अस्सलाम वालेकुम जी बाकी लोगों को भी। मैं आपका स्टूडेंट हूँ फराज भाई आज के सेशन में, तो मेरा सवाल बेसिकली ये था कि हम अपने आप को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि हम सक्सेसफुल ट्रेडर हैं कि नहीं हैं। पहला सवाल तो ये था लाइक कोई विन रेशो होनी चाहिए टू जज या नहीं। दूसरा सवाल मेरा ये था कि आपने मंथली टारगेट्स का आपने बताया था कि मंथली टारगेट्स होने चाहिए, तो वो किस तरह से इवेल्यूएट होने चाहिए, अगर वो हिट हो जाए तो ट्रेड्स ना लें और उसको किस तरह से इवेल्यूएट करें? बिल्कुल, जब मंथली टारगेट्स आपके हिट हो जाएं, लेट से आपने 5% या 10% पर मंथ रखा हुआ कंसिस्टेंट बेसिस के, आपके 10% का टारगेट है, वो हिट हो गया पहले हफ्ते में हो गया, बाकी 3 हफ्ते आप चिल करें, एंजॉय करें। ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त मार्केट में रहें और उसी महीने ही आपने जिंदगी भर का पैसा बनाना है। मार्केट इज देयर, अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, अगर आप उस एक हफ्ते में 10% बना सकते हैं, इसका ये मतलब है आप जब भी मार्केट में बैठेंगे ट्रेड करने आप पैसे बना सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। सेकेंडली, आपको कैसे पता चलेगा जो आप अपना डेमो अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट जब प्रॉफिट में आना शुरू हो जाए और आपकी विनिंग स्ट्रीक जो है वो बेहतर हो जाए? मेरे ख्याल में अगर आप 65% विन रेशो है, 35 आपकी लूजिंग ट्रेड्स है, तो एक बहुत अच्छी विन रेशो है जहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1.5 के करीब करते हैं जो स्ट्रेटेजीज आपको बताई हैं, तो वो आपको खुद पता चल जाएगा। इसीलिए आपको डेमो अकाउंट्स दिए गए हैं कि आप उसके ऊपर ट्रेड करते रहें। सो जब तक आपके डेमो अकाउंट्स नहीं प्रॉफिट में आते, ऐसा नहीं कि एक दिन आ गया और फिर आपने कहा बस अब मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ और इसको मैंने चलाना है, बस अब मैं रियल मनी में आ जाऊँगा। जब तक आपके डेमो अकाउंट्स कंसिस्टेंटली 3 मंथ्स तक प्रॉफिट में नहीं आते, आप अपने आप को अच्छा ट्रेडर नहीं कह सकते। 3 मंथ्स प्रॉफिट में रहना एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फराज भाई। अच्छा, ये एक कमेंट किया सोहेल अहमद साहब ने। सोहेल भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे कैंडल्स भी हैं, ऊपर से ऑप्शंस चेक करें, ऐसा तो नहीं हो सकता? अगर नहीं है तो मुझे डीएम करना, अगर कोई स्क्रीनशॉट है तो आप इस कमेंट के नीचे पोस्ट कर दें। ऐसा पॉसिबल नहीं है वहाँ पे, जो ऑप्शंस हमें SCS पे या ब्रोकर्स के चार्ट्स पे या कहीं और मिलती हैं तो वो सरमाया पे भी हैं। जी उस्मान साहब, आपका हैंड रेज है।
जी अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम जो स्टॉप लॉस प्लेस करें फॉरेक्स मार्केट में बात कर रहा हूँ, तो क्या हम उसको मार्केट रेट के ऊपर स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं या क्लोजिंग बेसिस का वेट करें? कुछ लोग कह रहे होते हैं कि क्लोजिंग बेसिस कैंडल हो उसको स्टॉप लॉस रखे, तो इसके ऊपर आपकी क्या एडवाइस है कि स्टॉप लॉस किस तरह हमें डिफाइन करना चाहिए, और क्या ये ऑटोमेटिकली प्लेस कर दें स्टॉप लॉस और टीपी, या वेट करें कि वो इतना नीचे चले जाएगी नोज डाइव लेके कि आपको स्टॉप लॉस हिट कराने का मौका ही नहीं मिलेगा? क्लोजिंग बेसिस का इंतजार नहीं करें, सामने लगा दें स्टॉप लॉस और टीपी, और क्लोजिंग बेसिस पे अगर वेट करते रहे तो दुनिया बदल जाती है, एक मिनट में दुनिया बदल जाती है यहाँ। क्लोजिंग बेसिस खतरनाक हो सकती है, तो स्टॉप लॉस टीपी करंट प्राइस के ऊपर लगा दिया करें। फराज भाई पहले मैं इससे पहले कि नेक्स्ट कॉलर, जी जी प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक। जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। मेरा नाम मुसामा है और मेरा आपसे ये पूछना था कि आपकी, मैं आपका स्टूडेंट हूँ और अभी क्लास होगी आपसे घंटे बाद, तो जितना जितना हम सीखते जा रहे हैं उतना अपना प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम मार्केट को और स्पेशली जो चार्ट्स हैं उसको ओवर एनालाइज करने लग गया हूँ, और वो ऐसे होता है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंसेस भी बना रहे हो, फिर ट्रेंड लाइंस भी बना रहे हो, फिर आप जो कैंडल्स को भी देख रहे हो, और फिर उसमें ट्रेड्स मैं नहीं ले पा रहा, हालांकि मैं उसको देखता रहता हूँ, वो बिल्कुल प्रॉफिट्स में जा रही हैं, मतलब मोस्टली ट्रेड्स मेरी प्रॉफिट में जाती है। मैं ट्रेड इसलिए नहीं एंटर करता क्योंकि मैं डरता रहता हूँ कि अब चेंज हो जाएगा, अब मार्केट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और फिर मैं नई ट्रेंड लाइन्स, नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, मतलब ओवर एनालाइज करता जा रहा हूँ, हर बारी मैं ट्रेंड लाइन्स को बनाता जा रहा हूँ, मिनी ट्रेंड लाइन्स, फिर लो टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेंड लाइन्स बना रहा हूँ। तो आप इस तरह अपने आसाब पे कैसे कंट्रोल रखते हैं कि आपको अब मार्केट में एंट्री ले लेनी चाहिए, ट्रस्ट योर मेथड एंड टेक? देखें, अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, इसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी तो निकल के आई नहीं है, अभी तक तो आप सिर्फ टूल्स से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इंट्रोडक्शन चल रहा है टूल्स का। तो जैसी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 1 आएगी, जो कि 11वां लेक्चर होगा, अभी आप 7th वीक में है, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपके पास एक ट्रेड प्लान सामने आ जाएगा जहां पे आपका स्टॉप लॉस लेवल डिफाइन हो जाएगा, टारगेट प्राइस डिफाइन हो जाएगा, दैट्स इट, आप बस उस पे स्टिक रहेंगे और ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। उसमें आपको पता होगा कि एंट्री जो है अब इन एनी केस ये चार आपकी कोई सॉर्ट ऑफ चेकलिस्ट है, ये 3 चेकलिस्ट पूरी हो गई है, टेक एन एंट्री, ये 2-3 चेकलिस्ट जो है वो पूरी हो रही है, तो टेक एन एग्जिट कुछ इस तरह का, मतलब जी बिल्कुल ऐसे ही होगी, तो वो आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाएगी, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, सारा काम आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। थैंक यू सर। फराज भाई एक दो कमेंट आए हैं कि यहाँ पे तो लगता है सारे कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ हमें मार्केट के बारे में भी बता दें। हाँ, ये तो खिजर भाई जिन्होंने जाके ज्यादा तारीफ की है उनकी ओवर एक्टिंग के पैसे काट लीजिएगा। ये एक्चुअली लोगों को नहीं यकीन आता कि वाकई ये लोग, सबको यही लगता है, कहीं पे कोई कमेंट भी करेगा अच्छा तो आके यही लिखेंगे यार ये पेड कमेंट है, हालांकि इनमें से जितने आए हैं ना, मेरे पास इनका किसी का पर्सनल नंबर है, जो मेरा इंटरेक्शन होता है वो लाइव सेशन में होता है, वो भी समझे पब्लिक ही है क्योंकि सारी दुनिया उसमें बैठी हुई है, तो मैंने इनको कभी नहीं कहा कि जाके मेरी तारीफ करो या कहीं पे बोलो, ये लोग दिल से बोल रहे हैं क्योंकि अपनी लाइफ में ये चेंज देख रहे हैं, लेकिन बहुत सी जाहिर सी बात है नहीं हजम हो पाता दूसरे लोगों को, यार ये क्या बात कर रहे हैं। बाकी रही बात मार्केट्स की, देखिए मैं थोड़ा सा अभी बता रहा था पिछले टाइम से कि बुलिश था क्रिप्टो में, मुझे लग रहा था कि दुनिया भर के रिस्क ऑन एसेट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे, नैसडेक का हमने बॉटम पकड़ा, उसको राइड किया, मुझे लगता है स्टिल उसमें पोटेंशियल है ऊपर जाने का, सो ग्लोबल मार्केट्स तो मुझे परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, गोल्ड परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, जो पाकिस्तानी मार्केट है इस पे सिंपल सी मेरी स्ट्रेटेजी है कि जो आपके थर्ड टियर स्टॉक्स हैं जो 20 रुपए से नीचे हैं, 10 रुपए पर हैं, 12 रुपए पर हैं, उस पे ये बहुत बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, पिछले 2-3 महीने से ये कह रहा हूँ,
ये बेहतरीन टाइम है. अपार्ट फ्रॉम ये जितनी नॉइज चल रही है आपकी, पॉलिटिकल मसले मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान, आवाजें लग रही हैं कि डिफॉल्ट के करीब जा रहा है, डिफॉल्ट हो जाएगा. आप ये देखें, अभी मैं पहल की बात कर रहा था, मैं इतनी दफा बोल चुका हूँ, 16 रुपए पे था, 15 रुपए पे था, मैं कहता हूँ इसको खरीदें. 3 महीने से पाकिस्तान में क्या सर्कस चल रहा है, हालात इतने खराब है, अनसर्टेनिटी है, वो शेयर वहीं का वहीं है, आपको लॉस नहीं हो रहा. इसी तरीके से 10 रुपए पे ANL है, टेलेकार्ड है, TPL है, ये वहीं खड़े हुए हैं, आपका AVN है, ये वहीं खड़ा हुआ है. तो वो सिर्फ इंडेक्स पे प्रेशर होता है, बाकी जो आपके स्टॉक्स हैं वो तो 23,000-25,000 के इंडेक्स की वैल्यूज पर हैं. तो ये बेहतरीन टाइम है. इवन कंपनीज जो हैं वो अपने शेयर्स बाय बैक कर रही हैं. नेटसॉल एक एग्जांपल है, इस तरह की बेतहाशा एग्जांपल हैं. ये जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो आके मार्केट से शेयर्स खरीद रहे हैं, उनको पता है उनकी कंपनी की वैल्यू क्या है और वो कहाँ स्टैंड करते हैं और आगे उनके रोड मैप्स क्या हैं. तो ये बेहतरीन टाइम है. लोग इंडेक्स को देख के परफॉर्म करते रहे, पैनिक करते रहते हैं, या न्यूज को देख के पैनिक करते रहते हैं, इस इंतजार में हैं कि कब हमें कोई पॉजिटिव साइंस मिले. मेरे ख्याल में यहाँ पे कंपनीज आपको मुफ्त मिल रही हैं, आपको इतनी सस्ती मिल रही हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि जिंदगी भर आपकी मार्केट बेयरिश रहे, कभी तो बुलिश होगी. अब 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, अगर आप चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं, डाउनसाइड रिस्क है, लेकिन स्टिल मुझे पता है कि बहुत लोग पैनिक करेंगे, नहीं करेंगे, और मुझे ये भी कहेंगे यार ये क्या बात कर रहा है, हालात तो इतने बुरे. दूसरा तरीका ये है कि जब मार्केट ब्रेकआउट दे, हायर हाई बनाना शुरू करे, अब आप लेवल्स निकाल लें इंडेक्स का, हायर हाई कहाँ बनेगा, जैसे ही वो ब्रेकआउट लगता है वहां पे एंट्री ले लें. उस टाइम एक मोमेंटम बना होता है, रैली बनी हुई होती है, और उस पे आप ट्रेंड को राइड कर सकते हैं, अच्छे पैसे बना सकते हैं. तो बाहर की जो मार्केट्स हैं, रिस्क ऑन एसेट्स हैं, मुझे वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं. दूसरा जो PSX है, मेरा हमेशा से यही है कि इतने सस्ते स्टॉक्स मिल रहे हैं तो बिल्कुल बाय करना चाहिए इनको. दानियाल शाह साहब, मैंने आपको माइक सेंड किया है, आपका कमेंट देखा है मैंने. आप अभी मेरे पास रिक्वेस्ट कोई नहीं है, अगर आप दोबारा कर दें. अच्छा, कराचिस्तान. हेलो, अस्सलाम वालेकुम फजल भाई. वालेकुम सलाम. कैसे हैं फजल भाई, खैरियत है? हसन बात जी, हसन कैसे हैं आप? बस दुआ 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 भाई. क्वेश्चन तो मेरा कोई है नहीं, बस थोड़ी सी तारीफ करनी थी, आपकी इजाजत हो तो कर दूं. सर फिर ये सबको इतनी हो, सबको यही लगेगा पेड़ वो चल रहा है यहाँ पे. चले बेवल, तो फिर अब ये है कि भाई मैंने तो पहले बैच का स्टूडेंट था मैं, तो ये है कि फगाल भाई से बड़ी कुछ नॉलेज वाली बातें सीखने को मिली. हालांकि मुझे टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी सी नॉलेज थी पहले, और फगाल भाई से मिलने के बाद तो बिल्कुल ही कंप्लीट ही हो गए अल्हम्दुलिल्लाह. बस ये कमेंट दे रहा था मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू जबरदस्त. लाइक भाई, मैंने फराज भाई मैं भूल गया था, ये मैंने जरूर कमेंट पास करना था आपको, एज कि मैं जो है अब चार्ट्स देखता हूँ और फिर मैं अपनी शक्ल शीशे में देखता हूँ कि वाकई इसी शक्ल ने ये चार्ट्स जो है बनाए हैं और यही कहना लगता है. उसामा आपकी शक्ल बहुत अच्छी है माशाल्लाह से यार, आप इससे भी अच्छा काम कर सकते. थैंक यू सो मच. आप ये जो है ना, ये अभी हमें 4 हफ्ते हुए हैं मुश्किल से, मतलब आप दरमियान में अगर ईद कभी निकाल लें तो 3-4 हफ्ते हुए हैं, और हम एटलीस्ट मैं जो है किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बैठ के एटलीस्ट मेरी प्रिडिक्शन, टेक्निकल एनालिसिस की प्रिडिक्शन इतनी बेहतर हो गई है, और वो मेरी सिर्फ वो आपके लेक्चर्स हैं और वो आपके क्लासेस हैं और वो द वे यू ड्रिल डाउन इंफॉर्मेशन. तो वो और उसमें कहीं भी जो है आपने अपना जो है ना वो मंजन या चूरन नहीं बेचा कभी भी, आपने जो है वो हर चीज को बड़ा ही ओवर सिंप्लीफाई करके ना चीजों को आपने बताया, तो मैं तो आई एम रियली शॉक्ड एंड प्लेजेंटली शॉक्ड एंड सरप्राइज. थैंक यू सामा, बस मेहनत करते रहे बॉस आप. थैंक यू सो मच जी. रियाज साहब, रियाज मिर्जा साहब जी, अस्सलाम वालेकुम. मेरी आवाज आ रही है जी? वालेकुम सलाम.
जी जी बिल्कुल आ रही है जी। मैंने फराज साहब आपसे ये पूछना था कि ये जो टेक्निकल का कोर्स है ये क्या सीनियर्स भी कर सकते हैं या सिर्फ, क्योंकि मैं तो जितने लोगों को सुन रहा हूँ जिनसे आप बात कर रहे हैं दे आर ऑल वेरी सीनियर जूनियर पीपल, मतलब यंग है जो अभी एंट्री ले रहे हैं जी, जी। तो जो लोग 15-15, 20-20 साल से स्टॉक मार्केट में बैठे हैं और उनको लेकिन फंडामेंटल करते हैं, टेक्निकल नहीं समझते बिल्कुल या करते भी नहीं है, तो उनको भी ये कोर्स लेने का कोई फायदा हो सकता है या उनके लिए कोई इतना यूजफुल नहीं? बिल्कुल, देखें ये जो मेरे बैचेस चले हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसमें 18 साल से हैं और 65-66 की एज वाले भी हैं, सीनियर सिटीजन और रिटायर्ड भी हैं, और माशाल्लाह से वो लोग इन ये जो यंग जनरेशन है इनसे बहुत बेहतर है और बहुत प्रॉफिट बना रहे हैं। तो ये बताएं कि वो, हाँ मतलब मैं ये पूछ रहा था वो कुछ सीख भी लेते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, वो इनसे ज्यादा प्रॉफिट में बहुत ज्यादा है ऐसे। एक हमारे इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है इधर इस्लामाबाद में, उनके डायरेक्टर फाइनेंस से वो रिटायर्ड है, उसके बाद वो प्रॉफिट में है। इसी तरीके से एक है अमेरिका से तारिक साहब हैं, एक जावेद साहब हैं, ये सब रिटायर्ड हैं और ये सब बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं टेक्निकल्स को सीख के। चलें ये तो बड़ी इनकरेजिंग बात बताई। मैं वैसे इस्लामाबाद बेस्ड हूँ तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कोर्स जो भी आपका आ रहा होगा आई विल ट्राई टू जॉइन के इंशाल्लाह मैं भी सीखूं। चलें इंशाल्लाह। रियासा 45 के पास तो मैं भी हूँ। नहीं आप मुझसे अभी भी 5-6 साल छोटे हैं। मैं वैसे कोई 20 साल से कर रहा हूँ स्टॉक, लेकिन मैं तो फंडामेंटल्स पे करता हूँ ज्यादातर, मतलब जो रिसर्च रिपोर्ट्स मुझे मिलती है मैं उनकी बेस पे कर रहा हूँ। लेकिन ये फराज साहब ने बड़ा अच्छा बताया कि अगर टेक्निकल भी हम सीख सकें तो बड़ी अच्छी बात है। और खजर साहब आप तो बड़ी खिदमत कर रहे हैं हम लोगों को बड़ी अच्छी, हर दफा ये सेशन मैंने, ये मेरा दूसरा सेशन है और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू। अहमद मसूद साहब, लाइक भाई आपके पास मैं आता हूँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट आप ही देंगे। अहमद मसूद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, जी जी अहमद भाई जी, फराज भाई सॉरी, सबको ये लगेगा वही आप वाली बात के पेट बंद सारे बैठेंगे, लेकिन मैं वही आप वाली बात करूंगा रियली। मतलब मैं आज से पहले, जब से ये मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, इससे पहले हमेशा मैं यही सोचता था कि यार ये दुनिया में कौन पागल लोग हैं जो ये इसको चार्ट को देखते होते हैं, तो मतलब ये मकड़ी के जाले जो है सारे जो फिर रहे होते हैं और दुनिया पागल बैठी हुई है, पता नहीं किस काम लगी हुई है। लेकिन जब आपको वाकई सुना है और आपसे किया है, मुझे अभी तक याद है जो आपका वो पहला लेक्चर था डाउ का, मैंने कहा यार आज तो पता नहीं क्या लेक्चर आएगा और मैं बड़ा तैयार होकर बैठा हूँ। जब लेक्चर सुना मैंने कहा बस ये था, मैंने कहा इतना बस, इतना आसान। तो नहीं रियली आपने जिस तरह ना, देखिए दुनिया में मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नॉलेज होता है, लेकिन ये बहुत कम लोग होते हैं कि जो अपनी सारी उम्र का निचोड़ को जितना समराइज करके आसान तरीके से बताते हैं ना, वो रियली अप्रिशिएट रियली मेरे लिए। आपका जो बताने का तरीका जो है वो इतना आसान है कि बंदा कहता है यार बंदा कहाँ जाए। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी महीना डेढ़ महीना गुजरा, अल्लाह का शुक्र है चीजों को इतनी समझ आनी शुरू हो गई है। तो मैं सोच रहा हूँ जब अभी जो आपके लेक्चर आएंगे, स्ट्रेटेजी के जो लेक्चर आएंगे, मैं तो उनका इंतजार कर रहा हूँ कि यार उनमें जो मजा आएगा ना बात पढ़ने का, तो वो अपनी बात होगी। तो अल्लाह खुश रखे सर, आपको प्राइज मिलेगा, आपको बड़ा अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा चलें, गुड गुड गुड, मैं तो उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैं कह ये तो किए, तो सारे हम पैटर्न पढ़ रहे हैं, चीजें हैं, दैट इज गुड आल्सो। लेकिन क्या नाम है जो वो स्ट्रेटजी, जब स्ट्रेटजी की बात आएगी वहां सही मजा आएगा, वहां का चलेगा इंशाल्लाह। सही इंशाल्लाह। लाइक बाय, चलें सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा मैं फराज भी, मैं भी थोड़ी तारीफ कर दूं आपकी यार, लाइक भाई सबको यही लगेगा। अच्छा सर मैं पहले तो थैंक यू करना चाहता हूँ कि सर भाई आपका माशाल्लाह जबरदस्त काम कर रहे हैं। आई थिंक इससे बड़ी नेकी नहीं है लोगों की अगर किसी तरीके से हम हेल्प कर सकें। फाइनेंस बड़ी डिफिकल्ट चीज़ है समझाने के लिए भी। अगेन मैं बार बार कहता हूँ, ये जो फराज भाई का कोर्स था, मैं खुद पहले बैच में इनके साथ वीक बाई वीक, इनफैक्ट वीकेंड के जो लाइव सेशन थे मैं ऑर्गेनाइजर भी खुद ही था, और मैंने इनका कोर्स खुद अपनी आंखों से देखा और मैंने लोगों की जिंदगियाँ चेंज होते हुए देखी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोर्स लेना चाहिए, बट आई हैव सीन के कितनी ज़्यादा जिंदगियों को इन्होंने पॉजिटिवली इफेक्ट, इम्पैक्टफुल पॉजिटिव तरीके से इनका एक रहा है। और अभी भी माशाल्लाह खिजर भाई आपको भी 6 महीने से ऊपर हो गए हैं कोर्स दिए हुए, एंड दे आर सो मेनी पीपल जो कि हमारे एलुमनाई और हमारी कम्युनिटी का पार्ट है, वी आर स्टिल इन टच। जो फराज भाई की कंट्रीब्यूशन है, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू टीचिंग बट मेंटरिंग,
लेकिन ये फील्ड ऐसी है ना कि जिस पे आपके लॉसेस कुछ हो जाएं तो बड़ा मुश्किल काम है अपने आप को मोटिवेट करना, एंड विद पैसेज ऑफ टाइम जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज और लोगों को लेके चलना, इवन यहाँ तक कि लोगों के प्रॉफिट्स मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ, और जो चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती हैं वो ये हैं कि ये जो वॉलेटाइल मार्केट्स हैं जैसा फॉरेक्स हो गया, इसके ऊपर आपको पैसे चाहिए ही नहीं पैसे बनाने के लिए, तो ये चीज़ लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रही है। मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर कर दूं, मेरे ऑफिस के एक दोस्त थे, ही बेसिकली वेंट शॉर्ट ऑन सम फॉरेक्स और उन्होंने $5,000 की कोई ट्रेड ओपन की, ये 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, एंड वो इंसिस्ट करते रहे कि यार ये ना कहीं रिवर्सल आएगा और मुझे प्रॉफिट होगा, और वो 5,000 ईच हर जब भी वो स्टॉप लॉस के करीब होते थे वो डालते थे, और विद इन ए नाइट ही लॉस्ट $25,000, ठीक है। और माशाल्लाह जो हमने स्ट्रेटजीज फराज भाई ने निकाल के स्टूडेंट्स को दी हुई हैं, यू जस्ट नीड $85 टू क्रिएट ए फंडेड अकाउंट का चैलेंज पास करें, 15 वीक्स जितने भी लोग अभी हम जिनको रिस्ट्रिक्ट करके बैठे हुए हैं कि डेमो के ऊपर आप ट्रेड करें, तो वो 15 वीक्स ये बात खुद ऑटोमेटिकली इतने कॉन्फिडेंट हो गए इंशाल्लाह कि वो फंडेड अकाउंट के ऊपर कुछ चैलेंज पास करके घर बैठ के यानी किसी और के पैसे के ऊपर प्रॉफिट बना के प्रॉफिट शेयरिंग करें। सो एक तो मैं थैंक यू फराज भाई का खुद भी करना चाहूँगा, आई थिंक इट टुक मी अराउंड एन ईयर टू गेट हिम टू माई प्लेटफॉर्म के वहाँ पे ट्रेनिंग दे, आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज माई सेल्फ द टाइप ऑफ कॉन्टेंट ही डिलीवर्ड, और माशाल्लाह इट्स बीन ऑलमोस्ट एन ईयर, 3 बैचेज हम कर चुके हैं। अच्छा बाय द वे अभी भी मैं देख रहा हूँ लोगों का इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग है, अगर तो कोई बंदा इफ इज इंटरेस्टेड इन द ट्रेनिंग प्लीज प्री रजिस्टर कर दें, हमारे पास इतनी बड़ी क्यू है मैं आपको बता नहीं सकता, और बड़ा प्रेशर है मेरे पे, ये 4th बैच भी हमने बहुत ज्यादा ओवर लोड हो गए थे एक लिहाज से, लेकिन वी ट्राई टू एडजस्ट एज मेनी एज वी कैन, बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड फराज भाई की अपनी भी एक पर्सनल लाइफ है, एंड ही सेक्रीफाइसिंग दैट पर्सनल लाइफ टू बेसिकली जितने लोग ज्यादा इनसे ये एजुकेशन गेन सके वो कर सके। We will try to limit the number of participants for next batch. So, मैं again लोगों को ये कहता हूँ कि kindly pre-register कर दें, क्योंकि there is a good possibility we might not go public for the next training batch. ठीक है? So again, I want to thank Khizar bhai and Faraz bhai. जितना चीजें आपने की हैं, I think it will inshallah लोगों के लिए positively होगा. और going forward, हमारी lineup माशाल्लाह थोड़ी interesting बनती जा रही है. जितने पैशनेटली खिजर भाई आप माशाल्लाह, ये मैं अगेन फराज भाई की कम्युनिटी का ही कहूँगा कि हमें कम्युनिटी के अंदर से ही लोग ऐसे मिल रहे हैं हु आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, और वो लोगों की अवेयरनेस करने के लिए ना विद इन कम्युनिटी हमें लोग मिल रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा 12 बजे सेशन है, आई डोंट वॉन्ट टू एक्सटेंड दिस पर्टिकुलर सेशन गोइंग फॉरवर्ड। साकिब भाई अगर आपको कोई क्वेश्चन आप ट्वीट कर दें, हम फराज भाई आपको ना वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर देंगे। अगर फराज भाई आपने कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट देनी है प्लीज गो अहेड। भाई मेरी तरफ से मुझे मैं सरप्राइज्ड हूँ कि अभी मैंने सेशंस खत्म किए स्टूडेंट्स के साथ और इनका प्यार है फिर मुझे आके बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं तो समझ रहा था मैं बड़ा बोरिंग आदमी हूँ तो कोई नहीं सुनने आएगा, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतनी इज्जत इतना प्यार देते हैं। और बस मैं यही कहूँगा जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं करते रहे, इंशाल्लाह फ्यूचर आप सबका ब्राइट है अगर आप लोग ये स्किल्स को मजीद पॉलिश करेंगे और बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो मेरी तरफ से ये, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फराज भाई। जस्ट एक लास्ट कमेंट मैंने देखा कि पूछ रहे हैं कि फॉरेक्स के लिए कोई इंटरनेशनल ब्रोकर कौन सा आप रिकमेंड करते हैं? आईसी मार्केट इज स्टिल गुड? नहीं देखिए, मैं पाकिस्तान से बैठा हुआ किसी को नहीं रिकमेंड कर सकता बाहर के लिए, और करना भी नहीं चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर नोटिस दिया हुआ है, तो आपको वो काम करना ही नहीं चाहिए। जब आपके पास एक PMAX की मार्केट है जो लीगल है, आप उधर जाएं उधर काम करें, तो बाहर पैसा ले जाना इस तरीके से गलत है, तो हम उसको प्रमोट नहीं करते। ठीक है, ठीक है। साकिब भाई अगर क्विकली आप पूछ ले एक दो सेकंड में तो आपका लास्ट क्वेश्चन है प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? जी वालेकुम सलाम साकिब। अच्छा फराज भाई, क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर RSI डाइवर्जेंस के हवाले से, बुलिश डाइवर्जेंस का, अगर डेली बेस में डाइवर्जेंस ना आ रहा हो RSI में और आवरली बेस पे डाइवर्जेंस आ रहा हो RSI में, तो इस ट्रेड को कैसे लेना है? इसको उस पे वेट करें, आप डेली पे डाइवर्जेंस बनने का, लेकिन अगर आप आवरली डाइवर्जेंस देख रहे हैं तो आप आवरली ही टाइम फ्रेम के ऊपर उसकी स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे।
तो आप इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। बाकी आप माशाल्लाह खुद इतने बेहतरीन एनालिस्ट है यार साकिब भाई, आप ये सवाल पूछ रहे हैं। सही सही। और एक क्वेश्चन ये है कि डाइवर्जेंस जो है बुलिश डाइवर्जेंस, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा कहाँ पे होती है, 30 से नीचे, या ये जरा बता दें मुझे। बस डाइवर्जेंस होनी चाहिए बिल्कुल, हाँ ओवरसोल्ड हो आपका और हायर, हाँ वो जिस तरह के आपके चार्ट हैं आप ठीक काम कर रहे होते हैं उसपे। सही सही ठीक, थैंक यू, बस थैंक यू। फराज भाई बेसिकली हमने प्लान किया हुआ है कि एक घंटे का सेशन करेंगे, अभी दो घंटे हो गए जी, और आपका मेरे ख्याल सेशन भी है लाइक भाई कह रहे हैं, तो अभी फिर इसको एंड करते हैं। अभी रिक्वेस्ट तो आ रही है, अगर एक दो मिनट है तो ये ले लेते हैं एक दो क्वेश्चन जी। चलें पांच मिनट और देख लेते हैं, 11:15 पे फिर रैप अप कर देंगे जी। ठीक है, ये आप API 3110 है, अभी आपने स्पीकर के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो अगर क्वेश्चन है पूछने, जिसने क्वेश्चन पूछना है प्लीज, पांच मिनट है हमारे पास। सर मैं थोड़ा टाइम लूंगा, पांच मिनट से कम टाइम लूंगा मैं। मुझे सिर्फ वालेकुम अस्सलाम, दो इंफॉर्मेशन चाहिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रेफरेंस से। एक तो ये कि स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 400 स्टॉक्स डेली मूव करते हैं रफली, जिनकी प्राइस मूव करती है। अच्छा, अब बेस्ट स्टॉक चूज करने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या मेथड बेहतर है, मतलब 400 स्टॉक्स में बेस्ट स्टॉक कौन से है, मैंने कैसे पता करना है मैंने। और दूसरी चीज ये देखनी है कि जो KSE 100 इंडेक्स है, आपके ख्याल से इसकी मूवमेंट्स हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट के साथ लिंक्ड हैं, लाइक ये कब अप एंड डाउन होता है। अगर मैंने इसका ट्रेंड अर्ली ट्रेंड कैप्चर करना हो तो मुझे कैसे पता चलेगा ये ट्रेंड चेंज करने पर आ गई है। दो क्वेश्चन है बस मेरे। देखें जो 400 कंपनीज हैं आपकी, आप उसमें से शॉर्ट लिस्ट कर लें, टेक्स सेक्टर में से कोई एक कंपनी ले लें, स्टील में से कुछ ले लें, सीमेंट में से कुछ ले लें। अब वो शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में कौन सा आपको स्टॉक को ट्रेड करना है, तो वो आपकी चार्ट्स के ऊपर जब रिवर्सल लग रहा होगा फिर पता चलेगा। और दूसरा एक और सवाल ये पूछ रहे हैं कि मुझे आसान लफ्जों में ये बता दें कि रिवर्सल कैसे लगता है, तो यही तो पूरी टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है कि आपको एक जुमले में बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनके साथ है जो सबसे ज्यादा वेटेज है मेरे ख्याल में, MCB, HBL वगैरह की है, बैंकिंग सेक्टर की ज्यादा वेटेज होती है, उसके बाद ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज की है, इस तरीके से इनकी ज्यादा वेटेज होती है मेरे ख्याल में। फर्टिलाइजर है काफी, हाँ, थैंक यू सर। सबसे ज्यादा MCB की वेटेज आई थिंक। अच्छा, एनी अदर वन? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बस ये आपका टेक्निकल का चल रहा था, वो मैं उसमें एडमिशन लेना चाह रहा था करंट बैच में, इज इट पॉसिबल? नहीं, करंट बैच में आप नहीं कर सकते, आप प्री रजिस्टर कर सकते हैं नेक्स्ट बैच के लिए। वो नेक्स्ट बैच कब है? मेरे ख्याल में 2 महीने के बाद होगा, आफ्टर 2 मंथ्स। वो तो मैंने प्री पे डाला हुआ, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा बहुत है आइडिया है, मैं चाह रहा था कि मैं इधर से ही स्टार्ट कर लेता हूं। नहीं नहीं सर, अगर आप नहीं नहीं मेरे ख्याल में हम अलाउ नहीं करते बीच में इस तरह की एंट्री कोई भी। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फराज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। 2 घंटे से ऊपर हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया। और सब हमारे जो ऑडियंस है, पार्टिसिपेंट्स है, थैंक यू वेरी मच। And see you next Saturday with another guest. Thank you very much. Thank you, Laik bhai, for this fantastic idea to do these sessions on a weekly basis. Thank you, everyone. Thank you.